अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम। पहाड़ रागले भली कलियां ते तेरे में सबके थीमा। एंड हेलो टू माय शो है आज सुनिए फ्रॉम द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट फनी प्लेटफॉर्म एफएम हमारा खाली है 97। ओके जी लाइव आपके साथ मौजूद हूँ एफएम हमारा खरिया 97 के स्टूडियो से लाइव आपके साथ मौजूद हूँ। और वो लिस्टनर्स एंड व्यूअर्स जो मुझे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे ट्यून किए जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं उन्हें बताते चलूं कि आपका मेरा साथ होता है एवरी सैटरडे शाम 4 से 6 बजे तक। मैं इस जैसे एवरी सैटरडे इज फ्रॉम 4 to 6 PM ओनली एंड ओनली सैटरडे। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं बहुत सारी चिट चैट करते हैं और गपशप करते हैं, हम टॉपिक पे बात करते हैं, बहुत ज़रा फन करते हैं। और आपको वीकेंड को बनाती हूँ मैं खुशगवार और आप मुझे बनाते हैं खुशगवार मेरे मूड को। और जी किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप अपने दिल की बात, आप अपने जज्बात, अपने एहसास, अपने दिमाग का जो व्यू है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उस बंदे को बता सकते हो जिसको रेलिवेंट बंदे को आपने कहना हो। या आप कह रहे हो कि मतलब कैसे बोलूं इसको, तो कुछ मसला नहीं, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट डील, दैट नॉट अ सच डील, बिग डील। आपने क्या करना है, नंबर आपको बताऊंगी, आपने लैंडलाइन नंबर है वो अपने सेलफोन से डायल करना है। डायल करके आपने अपने दिल की बात, अपने जज्बात, एहसास इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप टॉपिक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मेरे शो के बारे में, टू माय शो, तो मोस्ट वेलकम। एंड हेल्प मोर, अगर आप चाहते हो को अगर आपने कोई वीडियो शेयर करनी है रेलिवेंट टू द टॉपिक, रेलिवेंट टू द शो, या अगर आप कह रहे हैं कि आज मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग की है या कुछ डिफरेंट मैंने कुक किया, क्यों ना मैं चाहूँ कि पूरी दुनिया देखे ना कि मैंने आज क्या बनाया है, तो कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, सिंपली एक नंबर बताऊंगी, वो आपने अपने फोन में सेव करना है और अपनी जो वीडियो है या पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देनी है, व्हाट्सअप कर देनी है इस नंबर पे। और अगर आप चाहते हैं आपकी कोरियोग्राफी या कोई आर्ट है वो पूरी दुनिया देखे, तो अपने नंबर सेव करके उसको व्हाट्सअप कर देना है। बट शर्त इसमें क्या है कि आपके पास बैलेंस भी तो हो ना कॉल के लिए। नंबर आपको बताते चलो किस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लैंडलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करेंगे 0537601961 पे आप कॉल करेंगे। और जो नंबर आपने सेव करना है व्हाट्सएप नंबर है, डेट वन इज 0302395979797। ओके जी जल्दी से बताओ, आज की डेट है 12th of June 2025 सैटरडे है और मैं आपके साथ मौजूद हूँ म्यूजिक कैफे में आपके साथ। एनिवेस जी एक प्यारी सी स्माइल के साथ और हमेशा खुश रखिए, मस्ती करते रहिए। इसी एक मैसेज के साथ अपना जो प्रोग्राम है उसे फर्दर कंटिन्यू करती हूँ और जो वेरी फर्स्ट ट्रैक है वो मैं प्ले करती हूँ, उसे इंजॉय कीजिएगा। और ये ट्रैक जो है अजान का है, अदनान समीहान के जो बेटे हैं, दैट्स वन अ न्यू, ठीक है, ऑफिशियल न्यू सॉन्ग है। ये मैं प्ले करूंगी वेरी फर्स्ट में ताकि थोड़ा सा जो मूड है ना, जो सो के उठे हैं अभी वो चाहते होंगे थोड़ा सा मूड तो बनाए ना, फिर हम है शो में आपको लाइव ज्वाइन करेंगे, तो इसको सुनिए और मेरे साथ रहिएगा। हाय टू एवरीवन, फेसबुक पेज पर लाइव मौजूद हूँ और मेरे जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी जो है कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, आ चुके हैं, तो सबको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे और बोलूंगे आपके साथ मौजूद है आर्टिस्ट सुनिए फ्रॉम योर मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म हमारा खारिया, हमारा हमारा यानी मेरा और आपका खारिया एफ एम 97 से लाइव मौजूद हूँ। और बताते चलो वो व्यूअर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मुझे देख रहे हैं, बताते चलूँ कि आपका मेरा साथ जस्ट सैटरडे को होता है, एवरी सैटरडे शाम 4 से 5 बजे तक। बहुत ज़्यादा जो है व्यूज आ चुके हैं जिनमें मैं नहीं शामिल कर सकी, दोबारा से मैसेज की डेफिनेटली शामिल करूंगी। वेलकम करेंगे माजिद अली को, तनवीर अब्बास को करेंगे, तनवीर आते ही छक्के लगाने शुरू कर दिए, क्या करें, ब्लू बैटिंग शुरू कर दी है। एनीवेज टॉपिक में बताऊंगी डेफिनेटली, आपने ऐप भी जो मेरी पोस्टर पे देख लिया होगा। और शाहजेब को वेलकम कहेंगे, इरफान मलिक को वेलकम कहेंगे, सामकुम कहेंगे, वालेकुम सलाम कहेंगे। अच्छा मेरे पहले भी क्वेश्चन था,
तुम्हारा मलिक जो इरफान उनसे पूछूंगी कि चौधरी मलिक बाकी क्यों अपने नाम के साथ मेंशन कर दे कि आई एम अ बैग आई एम अ मलिक एंड चौधरी क्यों. ओके जी तनवीर अब्बास कहते हैं कि हा हा भाई. ओके तनवीर अब्बास कहते हैं रियली अच्छा मैंने ऐसा क्या कह दिया रीत. वेलकम कहेंगे तनवीर अब्बास आपको भी और थैंक यू सो मच इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू आप लोगों की सपोर्ट आप लोगों के इतने व्यूअर्स होते हैं जिसकी वजह से दोबारा मैं इधर मौजूद हूँ. और क्या कहते हैं ब्यूटीफुल लिखे थैंक यू सो मच जी जजाकल्ला. ओके अच्छा 4:08 हो चुके हैं मैंने अजान का जो है ट्रैक वो प्ले किया हुआ माइट भी आप सुन भी सकते होंगे बहुत लाइट से बड़ा फनी फनी तो नहीं है बड़ा चुलबुल सा है जाग जाएंगे. और ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस समय मौजूद है ऑस्ट्रेलिया से आके से हमें मैसेज आए थे उनको वेलकम कहेंगे शाम देखते हैं कि अपने शो में और होप्स हो कि आप फुल शो में 6 बजे तक मेरा साथ देंगे और बताएंगे आज आपने कुकिंग क्या की. डेफिनेटली आप तो वहाँ कुकिंग को करते होंगे तो आपने जो कुकिंग की है ना ऑस्ट्रेलिया वालों एब्रॉडियन जो हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो डेफिनेटली मुझसे जरूर शेयर करें कि आपने क्या बनाया वहाँ की डिशेज में समटाइम जो है देखती हूँ एफवी पे वो जब मुझे भूख लगी होती फिर नहीं मैं देती फिर मैं कहती मेरी भूख जाना और बढ़ जानी है तो लेकिन वो बहुत जो डिलीशियस फील होती है. ओके माजिद अली कहते हैं योर वॉइस इज सो थैंक यू सो वेरी मच. काशिफ चौधरी को हम वेलकम कहेंगे. तनवीर अब्बास थैंक यू सो मच इतना पार्टिसिपेट करने के लिए. काशिफ चौधरी कहते हैं कि मैं सऊदी अरब में आपको देख रहा हूँ कहाँ पे आसमान पे चांद. थैंक यू सो मच आपने इतनी दूर से बैठे हमसे अपना होने का एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ हो काशिफ थैंक यू सो मच. और जी भी मुझे जरूर बताएं कि आज आपने अपने किचन में क्या ट्राई किया वो जरूर स्पेशली जो रोटी है ना उसकी शेप जो होती है ना वो कहा जाता है ना कि रोटी तो ठीक बनाती है लड़की लेकिन जब वो तवे पे जाती है तो पता नहीं क्यों उसे फॉलिड सा हो जाते हैं ऐसा भी कहा जाता है. ओके सैयद मनशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम नाइशा थैंक यू सो मच मनशा. और आप डेफिनेटली आपने फर्स्ट टाइम किए तो आपको वेलकम कहेंगे. और शाह सेब के कहते हैं यूएई से वेरी गुड जबरदस्त कमाल हो गए यूएई से भी हमारे साथ मौजूद हैं. अच्छा शाह सेब आप भी मुझे बताओ कि आज आप वो बाहर से खाओगे या घर से खाओगे. अच्छा बाहर से का खाना तो वो भी आपने ये जरूर हमसे शेयर किया करें कि मतलब डेफिनेटली कल्चर जो है ना वो हम उसको एक दूसरे से शेयर करते हैं. और काशिफ के कहते हैं तो क्या करें हम ये भी बात भी ठीक है. ओके माजिद अली कहती है कि चांद जैसे फेस है ओ माय गॉड एक कुछ ज्यादा नहीं हो गई. ओके ये एक और मैसेज के किचन में कभी काम नहीं किया मैंने हैं ये क्या बात है काशिफ फिर किचन में कौन काम करता है. आई थिंक सो आप फैमिली के साथ वहां पे चलो फैमिली को काम तो करते ही है ना वाइफ करती है मिसेस जो करती है सिस्टर करती है मदर करती है जो भी करती है तो वहां की डिशेज स्पेशली जरूर हमसे शेयर करें. और ये कहा जाता है कि जो मेल होते हैं वो बहुत अच्छे कुक होते हैं बहुत अच्छे शेफ होते हैं सीरियसली काशिफ को भी ट्राई कीजिएगा. और जुल्फकार अली डाल को वेलकम कहेंगे. खुशामदीद कहेंगे कहते हैं मैडम जी मेरी पसंद का सॉन्ग प्ले करो करोगे आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं की पसंद है मेरी पसंद प्ले है. ओके सही अब्दुल रहमान मुनीर इज वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. माजिद अली ये कहते हैं कि ज्यादा नहीं मैडम. ओके जी ठीक बिल्कुल ठीक हो गया. ओके सजाद हुसैन को वेलकम कहेंगे हमारे रेगुलर व्यूज में से हैं और डेफिनेटली पोस्ट पे भी ये मेरे जरूर कमेंट करते हैं लगा लो मक्खन वैसे बात आपकी ठीक है. अच्छा एक और मैसेज हम करें कहते हैं कि नहीं ठीक हो गया सही हो गया समझो कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो पापा के मुझे स्माइल करते हैं चलो ठीक है जी सही हो गया. ओके अशित अली कहते हैं हमारे साथ मौजूद है पहले से वेलकम कहेंगे आपको. जवाब अंजुम मौजूद हैं वेलकम कहेंगे कहते हैं इस्लाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा कभी पठान जो होते हैं वो डेफिनेटली अपनी जो एक एक्सेंट होता है सुनो जरा ओ तेरे की लगते ओके और माजिद अली कहते हैं क्या कहते हैं कि यार एक सॉन्ग तो प्लीज जो वर्ड्स हैं उसको भी केयरफुल होकर यूज किया करें. एनीवेज शहजेब का मैसेज हमें करेंगे कहते हैं यूएई में फ्राइडे को बिरयानी. अच्छा बिरयानी मतलब कि आप चाह लगता है कि समझे भूख लगी बिल्कुल भी नहीं वैसे दिल मेरा कर रहा है बिरयानी खाने को. ओके जी इसके साथ मलिक मतलूब को वेलकम कहेंगे शाम जी शो इज वेरी नाइस बहुत शुक्रिया. काशिफ चौधरी है कासिम अली खान बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं हमारे और रेगुलर प्रोग्राम में शामिल होते हैं. काशिफ कासिम की जो पोएट्री है वो बड़ी अच्छी होती है. अच्छा कासिम मैं बोलूँगी कि पोएट्री जो है ना प्लीज़ दिल जलवा नहीं ना लगाना बहुत दिल जले हो चुकी है थोड़ी से ना जो अच्छी वाली है मूड स्विंग वाली वो जरूर शेयर लेकिन आपकी चॉइस बहुत अच्छी है.
और माजिद क्या कहते हैं, अपनी फेसबुक आईडी बताएं। मेरी फेसबुक आईडी है RJSanya, RJ Sanya, SANNIA। दोबारा से बता दूं, RJSanya, SANNIA के नाम से मौजूद है। आप उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑफिशियल आईडी, उस पर भी जरूर दीजिएगा। फिर माने का 97। कासिम क्या कहते हैं कि बात ये तो वो बात होगी, मुझे समझ आ रही है अपने जो कर रहे हो। अच्छा चांद गली में क्यों निकल, चांद तो आसमान पे निकलता भी क्यों कहा जाता है। माजिद अली क्या कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे गम ना सही हम ही सही। क्या हो गया माजिद, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, क्यों? ताकि आप इनका मूड स्विंग दें, अच्छा हो सके, अच्छी सी शेयरिंग करें और आपकी जो है ना ये ब्रोकन हार्ट वगैरह इसे खत्म कर दें। इसे जो मैं सॉन्ग सुन रही हूँ ना, दैट इज वेरी अमेजिंग, बड़ा मजा आता है ना। वैसे मुझे फास्ट म्यूजिक इतना मेरा फेवरेट नहीं था, बट सुन के बहुत मजा इंजॉय करता है इसको। अच्छा क्या कहते हैं कि कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफिन का शिकार हो जाता है, समझ नहीं आता कि वो किस चीज से ना हो। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। ओके अर्शद क्या कहते हैं कि टूटे आउट साइड मटन, ओके मटन टिक्का कबाब इतना कुछ खा लो कि वो भी अकेले अकेले। काशिफ है हमारे साथ और सैयद अब्दुल रहमान मुनीर कहते हैं माशाल्लाह वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तनवीर अब्बास क्या कहते हैं कि भाई तो अच्छा दोबारा कीजिए। माजिद है शाहजेब इकबाल बट क्या कहते हैं कि नामा कोई यार का पैगाम भेजे, इस फसल में जो भेजे बस आम भेजे। आह क्या बात है, मैं भी अच्छा होकर यस सो सुपर एक्सलेंट। शाहजेब आपको वेलकम कहेंगे और कहेंगे कि इसी तरह आप जो 6 बजे तक मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में दीजिए, ताकि मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं अकेले डांड ही लगेगा ना, आप लोग साथ होंगे तो। ओके कासिम क्या कहते हैं कि कहाँ काम ठीक हो गया। ओके ब्रेक का टाइम हो गया 15 मिनट, क्योंकि मैं एग्जैक्टली डायरेक्टली ब्रेक पे जाऊंगी। साथ में इसको भी तो हमने करना है। अच्छा मैं आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट। अच्छा कासिम का शेयर में शामिल करते, कहते हैं कि इस कदर घर के इस कदर घेर के रखा है उदासी ने मुझे, सिर्फ हंसता हूँ मैं तस्वीर खचाने। कासिम अपना काम शुरू कर दिया है ना, हैप्पी मूड में किया हो ना, पता चले कि आप खुश हुआ है। ओके माजिद अली क्या कहते हैं, बहुत मजा आ रहा है आपका शो सुनकर भी और देख के भी। माजिद आप देख भी रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा प्रोग्राम जो है ना, टॉपिक आज जो है आपने सोशल, अगर आपने मेरी जो है आईडी उस पर अगर आपकी शामिल है तो उसको पता होगा आपको कि क्या आज टॉपिक है। लेकिन मैं डेफिनेटली आप जो लिंक दूंगी ब्रेक के बाद, तो आने जाके फिर मैं अपना जो है आज टॉपिक वो भी डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगी, उसमें भी जरूर शामिल होइएगा और बताइएगा कि आपके क्या व्यूज से माइंड भी समटाइम कहते हैं पिक्चर का एक रुख नहीं देना चाहिए। हम जो देखते हैं वो नहीं होता, जो होता है वो हम देखते नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पॉजिटिव माइंड के व्यू से, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेके। ओके साथ में म्यूजिक भी रख लेते हैं ना, ठीक हो गया ठीक हो इसे की। ओके शाहजेब इकबाल बट देखा फिर बट लगा दिया ना, नाम के साथ क्यों लगाती हो, मैं भी क्या लगाऊ नाम के साथ। गुलाब हाथ में हो आंख में सितारा हो, कोई वजूद मोहब्बत का सितारा हो, होए होए बड़े जंप लगाइए। माजिद अली कहते हैं आप आई तो रौनक ले आए ले। अच्छा ठीक है, रौनक हो गई सही हो गया, रौनक सिर्फ मेरे अकेले से नहीं, रौनक आपसे है हमारे स्टूडियो में। और मैं बताती हूँ कि आप सब हमारे स्टूडियो के सितारे हो, जो हर वक्त माशाल्लाह से चमकते रहते हो, चमकते रहना। ओके कासिम के कहते हैं कि जब COVID-19 में है तो यही फीलिंग होगी ना। अच्छा कासिम वो मैं है ना कि पॉजिटिव थिंकिंग लेनी चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। COVID-19 में मैं भी हूँ आप भी हो, और इसलिए यहाँ पे आज मैं इसमें मौजूद हूँ, ताकि जो है ना हमने अपने मूड को हैप्पी करना है, हमने अपनी लाइफ को हैप्पी करना है। और इस वक्त पीछे जो है मेरी आईडी वो चल रही है और मुझे वैसे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। दो मेरी इसमें आईडीज हैं शो से रेलिवेंट, और अगर आप सुन रहे हैं या फिर मैं जरूर डेफिनेटली शेयर करूंगी अपनी आईडी पे, मुझे जरूर उसके जो है ना आप फीडबैक दीजिएगा कि मतलब माइंड भी चेंज या क्या करना है। ओके माजिद अली क्या कहते हैं और ठीक हो गया। सुजाता सेम जो पोएट्री आई है जी, औरतों का दिल जीतने के मामले में आमिल और मौलवी ज्यादा चलाक होते हैं।
अच्छा उर्दू का दिल जीतने के मामले में आमिल और मोदी, अच्छा ये मुझे ना आपकी लॉजिक की समझ नहीं आई है, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका ये पीछे क्या लॉजिक है। आमिल और मोदी किस तरह से आ गए? आमिल तो समझ आ गए, मोदी दैट्स आउट ऑफ माय माइंड, ये मुझे जरूर बताइएगा। ओके ओके ठीक हो गया। अच्छा साथ में ये भी हम रख लेते हैं, अब ऑन ये मैं जाने लगी हूँ, साथ में जो मैं टॉपिक अनाउंस करूँगी, आरिफ को हम वेलकम कहेंगे, शाम के कहते हैं हाय हाउ आर यू, हमारे साथ ग्रेट शो, थैंक यू सो मच। शजीफ इकबाल बैठे हैं और मरवा हमारे साथ, जो मरवा आपको खुश शाम दीन के वेलकम के अपने शो में, आज आपने फर्स्ट टाइम हमें जो है वो मेरे प्रोग्राम में शामिल, आई एम नॉट रॉन्ग तो ओके माजिद अली, चलिए ठीक है आने जाते हैं, आने जाके फिर आज जो टॉपिक अनाउंस करते हैं उस पर भी मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, भरपूर चाहिए। डेट्स आलिटर सीरीज, लेटेस्ट सीरीज से बनाते सीरीज तो है लेकिन तो सीरियस सेंटी नहीं होना है, ठीक है ओके मरवा आप भी जो है प्रोग्राम में जब कहते हैं मरवा सम टाइम समथिंग अबाउट आरजे सीजर, ओके ठीक हो गया, खुशाम दीन कहेंगे, वेलकम बैक कहेंगे अपनी तमाम रिसेंट व्यूअर्स को, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों, क्योंकि आपके सामने जो है आरजे सनिया फ्रॉम योर मोस्ट एंड मोस्ट वांटेड प्लेटफॉर्म एफएम हमारा खानी 97। ओके अगर वो लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और सुन रहे हैं उनको बताते चलो आपको पहले साथ होता है एवरी एंड ओनली सैटरडे को शाम 4 to 5, 6 बजे तक, और इस वक्त मैं लाइव मौजूद हूँ एफ एम हमारा खाना 97 के लाइव स्टूडियो से, और यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं किस तरह से एफ एम हमारा खाना 97 की जो आईडी उसको आप ज्वाइन कीजिए तो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा पर्सनल अगर फीडबैक देनी है मेरी पर्सनल आईडी पे डेटवनीस आर जे सनिया आर कैपिटल जे कैपिटल एस ए डब्ल आई के नाम से मौजूद है। ओके इस वक्त जो मैं कुछ मैसेज शामिल करती हूँ, नासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है, नाइस जी थैंक यू सो मच, और कासिम अली खान वेलकम कहेंगे आपको शो में दोबारा से, और टॉपिक में जल्दी से अनाउंस कर दूँ, जो टॉपिक है वो ये है कि आपने सोशल मीडिया पे वो देखा कि न्यूज़ में है मतलब डिस्कशन हो रही है टेबल टॉक्स पे लग रही है, तो टॉपिक दैट वन इज माय इज इस्लाम एंड ओके टॉपिक इस है इस्लाम एंड मलाला यूसुफ़ज़ई, एक्जैक्टली मलाला यूसुफ़ज़ई, साथ ही कॉल आ गई है, लगता है कोई बहुत ही बेचैन है, कॉल अटेंड करते हैं, लेट्स सी कौन हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा छोटी की बड़ी, हाउ आर यू, कैसे हो? हमजा छोटी की बड़ी है, कैसे हो? हाँ क्या कह रहे हो? जायगम, सॉरी जायगम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिटफाट, आपकी दुआएं। जायगम क्या चल रहा है, स्कूल तो काफी बिजी जा रहा होगा, बल्कि इनफैक्ट आपकी तो फिर से मुझे आने वाली है। हेलो हाँ ना छुट्टियां नहीं होनी, आगे समर वेकेशन नहीं आ रहे? नहीं हाँ नहीं होनी चाहिए, गर्मी में मारना बच्चे को आप जैसा गवर्नमेंट सोचने लगे तो पाकिस्तान तरक्की ना कर ले। अच्छा जैगम आज जो टॉपिक है वो ये है कि इस्लाम और मलाला यूसुफ़ज़ई क्या कहते हैं उसके बारे में। नहीं उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट पास की है, उनका उनका कहना है कि इन रिलेशन रहने के लिए निकाह जरूरी नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? निकाह करना यानी रिलेशनशिप बनाने के लिए निकाह जरूरी नहीं, क्या कहते हैं? तो निकाह के बगैर तो बीइंग मुस्लिम हमें ये चीज
कुछ नीति नहीं चाहिए। ठीक हो गया, इसके लिए यही है कि आप मतलब की बात को फॉलो करें, उनकी जो सीरियस रहता है उसको स्टडी करें। असल एक्चुअल हम इन चीजों से बहुत दूर है। आप मतलब की रात एक के बारे अगर हम पूरी तरह मतलब स्टडी करेंगे तो हमें हर मसले का हल जो है वो ठीक हो गया। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे अपने व्यूज दिए हैं, रेफरेंस टू इस्लाम। और हम लोग इस्लाम को स्टडी नहीं ना करते, और इस्लाम की जब हम इस्लाम से दूर होंगे, कुरान मजीद को हदीस को तफसीर करने के साथ चलेंगे नहीं, इस तरह के बेहूदा बातें जो है हम लोग करते रहेंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बड़ी बताया कि ओके उन्होंने इतनी छोटी बात की है। एक्जेक्टली एक्जेक्टली, तो मुझे तो आपका पता नहीं था कि आपने बताया तो काफी मतलब बुरा लगा। और दूसरी बात, आपका मैंने यूट्यूब पे शो देखा, फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा है, थैंक यू सो मच। इसका जो रिस्पॉन्स है बड़े अच्छे तरीके से अच्छे, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बड़े अच्छे व्यूज आपने ये शाम के रेफरेंस से हमको सलाम दे रहे हैं। हाँ मैं एक्चुअली आई वाज अ लिटिल बिजी, दैट्स व्हाई शो कर दिया करें। हफ्ते में आपका एक शो है तो बड़ा वेट होता है, और कोई प्यारा सा गाना भी नाम जरूर करिएगा। प्यारा अपने जैसा कि आपकी जैसा, ठीक है, मैं प्ले करती हूँ, मैं प्ले करती हूँ। तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी तारीफ बंद नहीं करी, आप अपने जैसा प्ले कर। ओके ओके, आई विल डेफिनेटली, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत हमारे प्यारे, हमेशा की तरह, हर एक की तरह हमारे कॉलर है, मैसेज ये इस्लाम की रेफरेंस है। अच्छा, मैं मैसेज शामिल करूंगी। सैयद असदुल्ला हैदर भी समटाइम कहते हैं कि मैं भी आपके साथ मौजूद हूँ कभी कभी कहीं कहीं। एनीवेज नाइस, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और माजी तरीके कहते हैं कि ओके, आपने सलाम दिया है, वालेकुम अस्सलाम स्पेशली। अच्छा, स्पेशल सलाम कैसे किसी के दो हाथ उसे क्या। ओके, नेक्स्ट ट्रैक में प्ले करती हूँ, एक्जैक्टली दिस वन। और साथ में जो है, मैं साथ में कमर्शियल्स भी रखती हूँ, क्योंकि वक्फा भी तो जरूरी है लाइफ का, नहीं समटाइम काम से जुड़ता है ना वक्फा, वो बहुत जरूरी है। साथ में आईडी मेरी एक कदर जो मेरी आईडी है, दैट वन इज हियर। ओके, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, स्पेशली जो है ना मैं वर्क करती हूँ इस पे कि जो न्यू सॉन्ग्स हैं वो मैं ट्राई करती हूँ कि वो अपने शो में शामिल करें। पहले जो है आप ऑलरेडी सुन चुके हो, तो ये दैट्स आल्सो सुपर्ब सॉन्ग। और जैकम आपने कहा था कि प्यारा सा, ये प्यारा सा सॉन्ग है, आप देख लो, आप सा प्यारा है, मुझ सा प्यारा है। ओके, तनवीर अब्बास का कहते हैं कि ओके, माचिद क्या है, माचिद कहती है आपको नहीं रहना मुगल को तो दिया था। ओके ठीक, सही हो गया। समर कदीर भी हमारे बहुत अच्छे सिंगर है, और इनका भी समर कदीर का काफी जो है मैं अपने शो में अपने शामिल करती हूँ उनके सॉन्ग्स। तो अभी समर कदीर का ही है, और काफी अच्छा हो गया। वैसे कि आतिफ का मैंने सॉन्ग प्ले नहीं किया, और मेरे यहाँ से नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट शो में डेफिनेटली आतिफ का मैं सॉन्ग जरूर शामिल करूंगी। और आतिफ का तो वैसे हर सॉन्ग बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो है दिल दिया गल्ला, वो दिल दिया गल्ला, वो दिल को छू गई है मेरे, और वो हर दफ़ा ये होता है कि मेरा वही प्ले करूँ। अच्छा, टॉपिक मैं दोबारा से अनाउंस कर दूँ कि इस्लाम एंड मलाला यूसुफ़ज़ई, मैं दोबारा से बताती चलूँ ये आज का टॉपिक। इसमें ज़रूर आप फैमिली से आप बताएं कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में, वेदर शी इज़ राइट और रॉन्ग, अगर रॉन्ग है तो क्यों, अगर राइट है तो क्यों है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ओपनली डिस्कशन करेंगे और समराइज ऐसे करेंगे, लास्ट में लास्ट जो मिनट हमारे लिए उसमें हम समराइज करेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, रेफरेंस, और मैं अपने जो व्यूज है वो दूंगी। और बताती चलूँ कि जैसे जैगम को नहीं पता था क्या इशू है, इशू ये है कि उस मलाला का कहना है कि इन रिलेशन रहने के लिए निकाह ज़रूरी नहीं है। आर यू एग्री विद इट आर नॉट, व्यूज दीजिएगा। ओके, माजिद अली क्या कहते हैं कि मैं रेहान मुगल को मैंचर करके सलाम दे। ओके, रेहान मुगल को सलाम है माजिद अली की तरफ से, और अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी जो है एफएम के लाइव जो है उनका ज़रूर बताइएगा, सलाम का जवाब दीजिएगा, और साथ में जो प्रोग्राम का ये टॉपिक है उसमें भी ज़रूर शामिल होगा, और बताएं कि आपके क्या व्यूज हैं एग्जैक्टली।
तेरी मोटी मोटी आंख लख पतलाए, वाह वाह वाह। क्या वैसे पोटी शायरी ने क्या क्या शायरी निकाली, शुरू कर दी है। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, मिलाले का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जो उनकी लाइफ का है, वो भी थोड़ा सा मैं जरूर डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, जिसे मैं आपको नेक्स्ट लिंक लूंगी उसमें शेयर करेंगे, ताकि आप उनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा बताओ कि उनकी हिस्ट्री क्या है। माजी तलीका कहते हैं न्यूज भी ऐड किया करो। ओके, न्यूज जो है न्यूज शामिल होती है, लेकिन आफ्टर 6 o'clock होती है, बिकिंग की शो है वो नहीं की जाती। लेट्स ट्राई करेंगे कि न्यूज भी शामिल हो, ताकि आप अपने देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। 4:28 चल गया, 4:28 और एग्जैक्टली 30 पे हमें एक अलग ब्रेक लेनी है, जो कि ऑलरेडी मैं रख चुकी हुई हूँ। और हमारा YouTube चैनल भी है, उस पर भी आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। और एक्जैक्टली हमारी जितनी वीडियोज़ होती हैं वो YouTube चैनल पे भी होती हैं, आप वहाँ से भी जो है उसको सिंक कर सकते हैं। और उस पर भी अगर एक्जैक्टली अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें आप बिजी हो, या फिर अभी आप जो है प्रोग्राम में शामिल, अब एक्जैक्टली नहीं दे सकते पूरी वीडियो, तो वहाँ से देखे फिर आप फीडबैक लिया करें, जिस तरह से जैकन ने भी दिया। तो इस तरह से ही होता है कि हमें पता चलता है कहाँ पे हमें चेंजिंग की ज़रूरत, कहाँ पे चेंज लाने की नहीं ज़रूरत। और आपके जो व्यूज एंड डैट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर्ट्स। और ठीक है, मलिक नोमी क्या कहते हैं कि मलिक इमरान सबको न्यू मोबाइल शॉप इंडिया। ओके, अच्छा मलिक का नोमी, ये क्या चक्कर है, क्या करें। अली हैदर मसा मौजूद है, वेलकम कहते हैं अली हैदर। हाय अली, कैसे हो आप, ठीक है। अली कहते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ योर यूट्यूब चैनल डैट 1E97। और शजीब ने टोटी सेंड किया, क्या कहते हैं, नजर रानन दिल वीरान मेरा जी नहीं लगता, बिछड़ कर तुम से मेरी जहाँ मेरा जी नहीं लगता। ओके, अल्लाह आपका जी भी लगाए और आपका मन भी लगाए, आपका ध्यान भी लगाए काम में। ओके, ब्रेक का टाइम है, जल्दी से ब्रेक पे चलेंगे। ओके, मलिक नोमी क्या कहते हैं कि मलिक इमरान साहब को न्यू मोबाइल शॉप, ठीक से क्योंकि अच्छा जो लैंड लाइन पे कॉल करते हैं वो बीच में जब ब्रेक होती है उस पर कॉल ना करती, क्योंकि भी कॉल आ रही है ड्यूरिंग ब्रेक, उसे अटेंड नहीं कर सकती, लेकिन जब की ब्रेक के बाद अटेंड करेंगे। मजे देखिए क्या कहते हैं, आज सनिया इज योर आर्डिना नो राय, आर कैपिटल जे कैपिटल, सनिया के स्पेल है SANIA, रिपीट करती हूँ, आर कैपिटल जे कैपिटल, सनिया के स्पेल है SANIA के नाम से मौजूद है, ये मेरी आईडी है। और मलिक नोमी क्या कहती है कि मलिक इमरान साहब को, अच्छा ठीक, आप अपने पूरा लिखा मलिक इमरान साहब को न्यू मोबाइल शॉप की मुबारक हो जी। ओके ठीक है, ठीक है, आप तभी काम डेफिनेटली कर सुन रहे थे, उनको उन तक मिल चुका होगा और वो इस तरह सुन भी रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब ऑनलाइन जो मैं जाऊंगी तो उसमें मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है मलाना यूसुफ़ज़ई का, ताकि हमें हिस्ट्री में पता चलनी चाहिए कि वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती हैं। मोस्टली लोग जानते भी होंगे, मोस्टली नहीं भी जानते होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा बताते चलूँ, ताकि और ये भी बताते चलूँ शी इज़ अ मुस्लिम गर्ल। ओके, नोमिक मलिक नोमी कहते हैं थैंक्स। ओके ओके जी, ठीक हो गया। मेरी आर्टी के बारे में ज़रूर आपने फीडबैक देना है, मैं बता रही हूँ कि वो ज़रूर चाहिए, उसको चाहिए नहीं चाहिए उसका ज़रूर बताएगा। माजी तली क्या कहते हैं, तुम्हानू गर्मी नहीं लगती। नहीं, असं इंसान थोड़े हैं गर्मी लगे, गर्मी डेफिनेटली लगती है, लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम अच्छा है माशाल्लाह से, हमें अच्छा फैसिलिटेट करते हैं और एयर कंडीशन रूम है, डेट्स वाई। और गर्मी तो लगनी होती है, चाहे आप किसी भी पोजीशन हो, चाहे हिजाब हो, चाहे सिंपल हो, गर्मी ऐसी चीज़ है वो लगनी है, वो लगने की चीज़ है वो लगनी है। तो सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, ज़ोर से लगती है, बहुत ज़ोर से लगती है, लेकिन एनीवेज क्या किया जा सकता है। ओके,
गुड इवनिंग टू ऑल माय पाकिस्तानी से ओवरसीज पाकिस्तानी। जल्दी से एक मैसेज शामिल करूंगी क्योंकि ऐप पे मैं लाइव मौजूद हूँ। अगर आप भी मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो नॉर्थ आसर चैपी टीम आपने कह रहा है हमारे कहना की सैम उन पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके श्री को हाई बोलेंगे, वेलकम किंग अपने शो में। क्या कहते हैं, मेहंदी प्यारी लगी है। अदो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अली अदा क्या कहते हैं, माशाल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र है अभी हम आप ही का। ओके वाह ग्रेट, इसका मतलब है जिक्र शिकर भी होता है। ओके माजिद अली क्या कहते हैं, जो लगाती है वो गर्मी ठीक सही हो गया। ओके 4:43 हो चुके हैं, आप हमारे साथ रहते ठीक थी शाम 4 से 6 बजे तक। और 4:33 हो चुके हैं, एक जल्दी से कॉल अटेंड करते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरे साथ सुकून कहाँ से मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इस वक्त कौन मेरे साथ कहाँ से मौजूद है? अली इजाज। अली इजाज आपको शो में वेलकम करेंगे। और कहाँ से आप कॉल कर रहे हो? खारिया से, मतलब आपने ये देश के हो? हमजा के बच्चे नहीं, मैं अपने अब्बू का बच्चा। ठीक है। अच्छा हमजा क्या हाल है, कैसे हो? ब्रेक थी ना, टाइम देख लिया करें, ड्यूरिंग ब्रेक जो है ना कॉल नहीं अटेंड कर सकते। अच्छा नहीं, वो मैंने बताया कितनी दफा, मैंने बताया जो लैंड और नंबर है उस पर कॉल, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपकी वॉइस नहीं आएगी, समझ नहीं आएंगे, इसलिए फायदा नहीं होता। एनीवेज मुझे ये बताओ कब ज्वाइन किया शो को? अच्छा टॉपिक भी पता होगा फिर? हाँ आंटी मलाला के बारे में बात हुई। आंटी मलाला क्या कहते हैं, आंटी मलाला ने क्या कहा है? अभी बात कर रही है वहाँ जो वो वहाँ पे रह रही है। ठीक है, उसने अपने इर्द गिर्द माहौल की बात की। ठीक हो गया, ठीक है। वहाँ पे ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। नहीं हमने ये थोड़े देखना कि हम कहाँ रहते हैं, मतलब गंदगी के ढेर पे रहने का ये मतलब तो नहीं ना कि हम गंदगी बोले। जहाँ पे बोला थी ना, हाँ? अपने माहौल की बात की है। अच्छा ठीक है, उस पे ये ना अब उसको वो नोबेल प्राइज मिल गया, अब उसपे ये नाम वगैरह नहीं मैटर करता। ठीक है। अच्छा नहीं हमसा सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये देखो जब इस्लाम दुनिया में आया तो हर तरफ गंदगी थी, ऐसे ही है ना? तो इस्लाम लाने का मतलब ये है ना कि आप गंदगी को दूर करें। वो तो डेफिनेटली हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तरबियत भी तो उसी में आती है ना। मैं भी यही कह रहा हूँ ना, जब वो पाकिस्तान में ठीक है उससे बड़ी वो ने पर्दा तो दिलाई। ठीक सही हो गया, वो नकाब वो भी करती थी, पर्दा वो भी करती थी, अब वो पर्दा वो कहाँ गया? ठीक ठीक सही हो गया, वो बातें कहाँ गई? एग्जैक्टली सही हो गया। चलो ऐसा है कि कहते हैं ना कि हमें डेफिनेटली हर बंदे का अपना किरदार है, अपनी उसकी जन्नत दोजख है, वो उसने खुदा से लेनी है। तो हमें दुआ करनी चाहिए अपने लिए हदायत के लिए, दूसरों के लिए भी हदायत। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? और मैं बोलूंगा कि लास्ट सैटरडे क्यों नहीं है? एक्जेक्टली एक्सट्रीमली सॉरी बट आई वाज अ लिटिल बिजी, दैट्स व्हाई आई कांट कम टू हियर। वो बंदा एक छोटा सा मैसेज सेंड कर देता है अपन पे। हाँ 4 से 6 बजे तक वो ही चलता रहता ना, आज मैं एब्सेंट हूँ। अच्छा चलो ठीक है, सॉरी उसके लिए कि आपको वेट करना पड़ा। अच्छा उसमें ये ना हमसे, उसमें ये है कि जब मैं मुझे शो नहीं करना होता तो मैं अपनी जो है ना पोस्ट वो करती नहीं हूँ एफबी पे, ये वजह है, इसलिए आपको नहीं पता चला। ऑब्वियसली ना अभी तक किया ही नहीं है, ये क्या बात हुई? ठीक है सही हो गया। ओके और कुछ कहना चाहोगे? आपको बताया था मेरे भाई का नाम हमसा है ना? अच्छा, वो हाँ। जागन, जागन नहीं वो वॉइस थोड़ी सी ना मैच करती है, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था। ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। ओके
अपने अपने व्यूज होते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली शेयर कीजिए। मैं जल्दी से मैसेज को शामिल करूंगी। हमारे साथ जोया थी। जोया, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और आपने हाल पूछा था, आई एम गुड एंड व्हाट्स अप विद यू। ओके, इसके साथ बिनिश थी। बिनिश को बोले कि हाय एंड वेलकम करेंगे अपने शो में। पहले से आपने नोट कर लिया था, डेफिनेटली आपने फर्स्ट टाइम में मेरे शो में शामिल हुई है। और बिनिश टॉपिक से रेलिवेंट जरूर बताइए, बिकॉज यू आल्सो अ गर्ल। और एक लड़की स्टेटमेंट आके लेके आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में अद्रीस हमारे साथ थे। अद्रीस बॉस करने, थैंक यू सो मच। और साथ में माजिद अली ने ये क्या भेज दिया है, माजिद अली। एनीवेज 4:38, जल्दी से मैंने सॉन्ग तो रुका ही नहीं है। एनीवेज जल्दी से एक और सॉन्ग जो है सलमान का प्ले करती हूँ, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपने टॉपिक क्या रखा हुआ था? टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया ना, नहीं मलाला यूसुफ जई जो है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि शादी के लिए निकाह जरूरी नहीं है। नहीं, वो हया की बात हो रही थी ना, वो हया की बात हो रही थी इस वजह से। क्योंकि मूड भी था उसको वार करना है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी वजह से सेंटी हो जाए या फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। और स्पेशली वो मेरे लिसनर व्यूज जो अभी सो के उठे हैं ना, उनको होश आने के लिए ये जरूरी है। एक कॉल अटेंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फिफाट इस वक्त मेरे साथ कौन कहाँ से मौजूद है? आप हमसे के मामू बात कर रहे हैं? जी जी, कैसे आप? हाँ, मेरे भी मामू हैं आप। ठीक हो क्या जी मामू, कैसे आप? जी ठीक हो क्या? अच्छा, टॉपिक तो सुना ही होगा, क्या कहेंगे आप टॉपिक के, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस है। समटाइम क्या होता है कि लाइव जो होते हैं ना, उसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती है कि लाइव हम कुछ सोचते कुछ है। हाँ, हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। ओके, इश्क है बाय सरमद कदीर, और साथ में इलिश्मा है, उनका सॉन्ग मैंने भी रख दिया है, उसको हम सुनेंगे, प्ले करेंगे। ब्रेक भी साथ में रख दिए जाती हूँ ताकि जो नेक्स्ट ब्रेक है वो हमें लेना भी प्रॉब्लम ना हो। एक्सैक्टली। और आईडीज भी मुझे साथ में अपनी रखनी है ताकि आप आईडी सुनिए, उसके बारे में भी मुझे फीडबैक दें कि आप क्या कहते हैं। और टॉपिक में दोबारा से बताती चलूँ, जो टॉपिक है वो मलाला यूसुफ से और इस्लाम है कि हम किस तरह से रेलिवेंट करेंगे इन चीज़ों को, और क्या कहते हैं आपका माइंड क्या कहते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही सुनता है। जैसे हमसे ने कहा कि वो एटमोसफियर का असर है, एंड डू यू एग्री विद एक के एटमोसफियर में अगर हम रहते हैं तो वो स्टेटमेंट है। आई 50% एग्री विद हमजा स्टेटमेंट, बिकॉज उसकी तरह से बात ठीक है कि एटमोसफियर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ मुस्लिम,
that you belong to a Islamic country, Islamic religion. तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है. और doesn't mean कि अगर हम गंदगी की टेर पे बैठे हैं तो वैसा ही हम फाहिश बोलें या बेहयाई का बोलें. जैसे मैंने वहाँ हमसा को भी आगे किया कि हमसा इसका मतलब है कि जब इस्लाम आया था तो हर जगह गंदगी थी, लेकिन इस्लाम आने का क्या मतलब था कि हम उस गंदगी को दूर करें. आप क्या कहते हैं इस बारे में? और साथ में व्हाट्सएप भी मुझे ज़रूर कीजिए कि आज स्पेशली और सिर्फ पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर रहते हैं उन्होंने आज किचन में क्या किया. और मुझे वैसे बड़ा मज़ा आएगा अगर कोई अपने पूरे किचन की वीडियो बनाए ना, स्पेशली उस वक्त जब वो कुकिंग कर रहा हो ना. वो कुकिंग करते वक्त क्या होता है कि ये ढेर पड़ा बर्तन वॉश होने के लिए, कुछ गड़बड़ हो रही होती है, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम किचन में जाते हैं कुकिंग के लिए, उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा होता है ना. तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें, बड़ा अच्छा लगेगा. और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये फ़न है, ये आर्ट है, कोई चीज़ लाइक कोरियोग्राफी या फिर पेंटिंग वगैरह किसी तरह से, या समटाइम आपके जो बड़े अच्छे आप टेलर होते हो या ड्रेसिंग बड़ी अच्छे से करते हैं, बट एनी थिंग लाइक डू यू लाइक टू शेयर विथ मी विथ माई चैनल विद दिस वेरी व्हाट्सएप नंबर, तो आप डेफिनेटली करें. आप लास्ट में मैं ज़रूर शेयर करूँगी. और एक चीज़ बता दो, कीप इन माइंड कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक चीज़ क्लिक करने से वो एक क्लिक जो है हर एक माइंड पर जाकर क्लिक करेगा, वो पूरी दुनिया जो है उसको देख सकेगी. तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके एक क्लिक से लाइफ चेंज हो जाती है, और ऐसी अपनी मेरी अपनी लाइफ में भी हुई है. तो इस चीज़ को, इस चांस को आपने मिस नहीं करना, ज़रूर शेयर करें. और डेफिनेटली वो लोग जो बिजनेस अपना करते हैं, और हर एक के पास एक आर्ट होता है, अल्लाह ताला ने हर एक को फन दिया है, तो वो भी ज़रूर शेयर करें कि मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये आर्ट है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं. तो माइट भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से आपको उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए या इससे बड़ी जो ऑफर है वो हो जाए. तो इस चीज़ को देखा करें, हर जगह अपनी लाइफ का बेनिफिट जरूर देखा करें, ताकि नेक्स्ट जो लाइफ है आपकी अच्छे से गुजर सके, और जो है आपको अच्छे से चांस भी मिल सके. ठीक हो गया, सही हो गया. और नो 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 4:44 हो चुके हैं, और एक्जैक्टली 45 पे हमें ब्रेक पे जाना है. एक्जैक्टली एक मिनट लेफ्ट है, एक मिनट रह गया है, उसके बाद हमें ब्रेक पे चलें. और नंबर मैं दोबारा से बताते चलूँ, एक दफ़ा मुझे ब्रेक लेने दीजिए. इट्स अ टाइम टू हैव अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट मिस माय शो, डोंट मिस दिस प्लेस, आई विल बी बैक आफ्टर दिस ब्रेक. ओके, नंबर मैं दोबारा से बताते चलूँ किस तरह से आप कॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस शेयर कर सकते हैं. कॉल के लिए हमारा नंबर है 0537601961, और जो व्हाट्सएप नंबर है 0302395979 पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ये टाइम तो एग्जैक्टली सो के उठने का ही होता है, और अख्तर अब्बास आज मौजूद है हमारे साथ. सबसे पहले तो मैं अख्तर अब्बास से बोलूँगी, अख्तर अब्बास आप कहाँ बिजी हो गए हैं, कि मतलब सम टाइम आ जाते हैं कि मैं हूँ यहाँ पे, सम टाइम गायब हो जाते हैं, कहीं कोई स्पेस पे तो नहीं चली जाते. अस्सलाम वालेकुम बोला आपने, वालेकुम सलाम बोलेंगे, और आपको वेलकम कहेंगे, स्पेशली वार्म वेलकम कहेंगे अपने शो में, क्योंकि आप एक कहते हैं मेहमानों की तरह आते हो. तो इस तरह आज आपकी जो है ना हम हिम्मत करेंगे कुछ. एनीवेज अख्तर अब्बास आप टॉपिक के बारे में जरूर बताएं. टॉपिक जो है आज हमारा वो ये है कि मलाला यूसुफ़ज़ई का आपने सुना होगा स्टेटमेंट पास किया कि मैरिज यानी शादी के लिए निकाह ज़रूरी नहीं है. आप क्या कहते हैं इसके बारे में, वो क्यों ज़रूरी है, इसके रेफरेंस जरूर दीजिए. इससे बेस्ट जो रेफरेंस है हमें अपनी सोसाइटी में भी अवेलेबल है, अपनी पर्सनल लाइफ से अवेलेबल है, वहाँ जो सिस्टम बनाया है वो अवेलेबल है, और इसके अलावा स्पेशली सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कुरान मजीद है वो बेस्ट है. इसलिए मैंने अपने एक शो में बोला था कि हमें हम ज़रूरत है कि कुरान खोलने की, जस्ट इतनी सी एक ज़रूरत हमारे कि हमें कुरान खोल के देखना है कि खुदा ने हमें क्या पैगाम दिया है, अच्छी लाइफ गुजारने का, टेंशन से बचने का, प्रॉब्लम से बचने का, हर एक अच्छी लाइफ गुजारने का, अच्छे इलाज का. तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी हमारी कैलिक जॉब है कि जिस वजह से हमने इस्लाम को बहुत दूर छोड़ दिया है. थैंक यू मैरी माई प्लेयर, इट्स ओके ओके. अभी मैं जो आने चाहूँगी खुश आमदीद कहेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे अपने तमाम पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तानियों को, और बोलेंगे आप सब कैसे हैं, जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या मुझे महसूस किया जा रहा है, जैसे भी अच्छा लगा. और वहाँ पे अपने आप ज़रूरी बताम दीजिए, कॉल अटेंड करते हैं जल्दी से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम। मैंने व्हाट्सएप पे सॉन्ग सेंड किया, वो प्ले कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे सॉन्ग सेंड किया, वो प्ले कर दूँ? किसका है सॉन्ग? हाँ, कोरियन सॉन्ग है। कोरियन सॉन्ग है, अच्छा हमसा इसमें कोरियन, अच्छा कोरियन सॉन्ग है। अच्छा इस शो में तो नहीं, क्योंकि वो डाउनलोड करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर होता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में जरूर प्ले करूंगी, क्या कहते हैं? नेक्स्ट शो पे ना हुआ तो नहीं, मैं नेक्स्ट में यहाँ पे प्ले करूंगी, और अभी कोशिश करूंगी कि लास्ट में ना मैं डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर दूँ, ठीक है? हाँ नेक्स्ट में, हाँ नेक्स्ट शो में जो है ना, मैं अपनी इसमें फोल्डर में रख लूंगी, और आज मैं डायरेक्टली प्ले कर दूँ, ठीक है? नहीं, इट्स ओके, वो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, खालिद महमूद अहमद, सॉरी हलील अहमद हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि हाय हाय बोलेंगे आपको हलील में अगेन, और इस एयर आफ्टर लॉन्ग टाइम। हलील आप ही कहाँ गए थे, इसका मतलब है इस जो हमारे गायब जो व्यूर्स और लिसनर्स हैं वो वापस आ गए हैं। हलील कहाँ चले गए थे आप, किसी वर्क टू वर्क पर तो नहीं चले गए थे? एनिवर्सिटी और अच्छा टॉपिक, एक और कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाँ साहब, कैसे हाँ साहब, हाँ साहब आते ही धमाका कर दिया। हाँ बाहर आ गए, क्या सुनाने? अच्छा सॉन्ग गुलफामा का, अच्छा थोड़ा सा गुनगुनाओ ना। हाँ गाना सुनाओ मुझे, जी जी गाना सुनाओ ना, हाँ गुनगुना के जरा सुनाओ मुझे। हेलो, ओके ओके, हाँ साहब ने आके धमाका कर दिया। अरे मिस, मैंने जो है ना थोड़ा सा इंट्रो शेयर करना था मलाला यूसुफ़ज़ई का, और आपको बताती चलूँ कि मलाला यूसुफ़ज़ई जो है, अच्छा एक वो है जो आपकी स्टेटमेंट है, और आज हम देखेंगे कि एक वो स्टेटमेंट जो मलाला यूसुफ़ज़ई ने दी है, और आज एक वो स्टेटमेंट है जो आपकी मेरी कोलेबोरेशन के साथ हम एक स्टेटमेंट देंगे, और हम देंगे पूरी दुनिया सुनेगी कि रियलिटी क्या है। उसने तो बोल लिया, लेकिन हमने जो बोला दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसको भी डेफिनेटली नोट किया जाएगा। कासिम ने क्या कहते हैं कि मैं तन्हाई पसंद तो नहीं हूँ, लेकिन बनावटी रिश्ते से दम घुटता है। ओके, मुगीस अहमद हमारे समझे, मुगीस हाय बोलेंगे, एंड हाउ आर यू, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सलाम सिस्टर, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, व्हाट्स अप विद यू, यू आर टेलिंग मी अबाउट दिस। अच्छा, और मैंने जो है थोड़ा सा चेक करना था बैकग्राउंड मलाला यूसुफ़ज़ई का, कि पश्तून है, नोबल प्राइज़ इनको मिला था, और 12 जुलाई 1997 में मंगोड़ा में इनकी बर्थ हुई थी, हाई स्कूल गर्ल्स में ये पढ़ती नहीं है, और नोबल प्राइज़ के अलावा ऑर्डर ऑफ द स्माइल भी इनको दिया है, क्यों आई डोंट नो, और माइट भी आप जानते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। टाइटल जो इनका के दिया गया है, अगर फ्रॉम पैराडाइज, यानी एक ऐसी लड़की जो जन्नत से आई हो, क्या आपको लगता है कि वो जन्नत से आई है कि नहीं आई है, या फिर जन्नत नहीं डिजर्व करती, जरूर बताइएगा। और इसके अलावा क्या कहते हैं, इनके वालिद का नाम ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई था, है बल्कि तो थोड़ा सा ये है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा हलील अहमद क्या कहते हैं कि ये ऑलवेज बिजी, ओके ऑलवेज बिजी, तो बिजी मैं बताऊँ हलील, बिजी रहेंगे ना तो लाइफ बोरिंग हो जाती है, सीरियसली फेडअप हो जाते हैं लाइफ से, तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि आपको थोड़ा सा फ्रेश कर दे, क्योंकि जो है ना रेस्ट वो मशीन को भी ज़रूरत होती है, इंसान तो भी इंसान है, सो टाइम निकालिया करे अपने लिए और हमारे लिए। ओके नेक्स्ट ट्रैक वो मैं जल्दी से प्ले करती हूँ, और दिस वन इज राजफत अली खान का, हमने जो है ना एक ट्रैक मैंने निकाला है, इसको इंजॉय कीजिए। एक और ट्रैक मैं निकाल कर रख लेती हूँ, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ओके अब दोबारा से ट्राई करें। ओके कासिम अली खान क्या कहते हैं कि सिगरेट के पैकेट में मलाला की पिक होनी चाहिए,
जो भी है कासिम कम बोलते हो, छप्पड़ फाड़ के बोलते हो, नहीं कफन फाड़ के बोलते हैं ना उर्दू इसलिए, तो कम बोलते हो अच्छा बोलते हो तो ये भी ठीक है। लेकिन एक बात है, जो जिसने पीना है ना उसने पी लेना है, उसने ये थोड़ा ही कहना है, उसे कहना है इसे बैग पे कर दो। कॉल अटेंड करते हैं, लेट्स सी हु इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे साथ कौन कहाँ से मौजूद है? जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ। उस्मान आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में, खुशाम दीद कहेंगे। कैसे हैं उस्मान? ठीक है, थैंक यू मैम वेलकम करने के लिए। ओके अच्छा उस्मान, आपने टॉपिक सुने आज, क्या टॉपिक है? नहीं अभी नहीं सुना मैंने। अच्छा छोड़ो टॉपिक, उस्मान आपसे एक क्वेश्चन करूं अलग सा, क्योंकि आज आप आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है मेरे शो में। बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल की है मेरे शो में। हेलो उस्मान, आर यू देयर? हाँ उस्मान, मुझे ये बताओ कभी ऐसा हुआ? ठीक ठीक। अच्छा उस्मान मुझे ये बताओ कभी ऐसा हुआ कि कोई मांगने वाला आया और आपने उसे कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है तो मुझे माफ करो, उसने ये चेन निकाल के दिया 5,000 का, हुआ कभी ऐसे? हुआ एक दफा, हुआ हुआ। हाँ फिर क्या हुआ? ओहो ये तो सुनने वाला पॉइंट था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल करें, अटेंड करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक आप कैसे हैं? ठीक ठीक सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं टॉपिक सुना आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने एक टॉपिक सुना आज, क्या टॉपिक है शो का? हेलो आप ऐसा करें रेडियो प्ले कर लें, रेडियो और हैंड फ्री यूज कर लें उसके साथ। हेलो आप रेडियो रेडियो साथ में प्ले कर लें। ओके ओके मुगेश कहते हैं आज का टॉपिक क्या था, आई एम लेट सो इन। ओके टॉपिक मैं बताती हूँ, हलील अहमद थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। और क्या कहते हैं कि आप दोबारा से मैसेज कर मैं शामिल करूँगा। अतः बास क्या कहते हैं आई थिंक शी मेक अ मिस्टेक बिकॉज शी इज ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी। ओके ठीक है, वेयर रिलीजन डजंट मैटर, सो समवन हैज़ टू टीचर अबाउट इस्लाम स्पेशली हर पेरेंट्स। एक्जैक्टली आई एग्री विद यू, ये पॉइंट हमसा का भी था। तो ज़रूरत वही बात है कि इस्लाम के क्लोज होने के, कुरान को खोलने की, उसको पढ़ने की, समझने की है। और साथ में टॉपिक मैं बता दूँ, आज टॉपिक है हमारा मलाला यूसुफ ज़ई, नोबल प्राइज़ इनको मिल चुका है और रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि शादी के लिए निकाह ज़रूरी नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, क्या आप इसे एग्री करते हैं कि नहीं, या वट एवर जो डू यू वॉन्ट टू से, जो वट एवर जो आप कुछ भी सोचते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो अख्तर अब्बास ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है कि ज़रूरत है उसके पेरेंट्स को टीच करने की, इनफैक्ट उसको टीच करने की, क्योंकि वो उस पोजिशन में थी या निकल चुकी है जहाँ पर उसे टीचिंग की ज़रूरत थी, इस्लाम सिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन इस्लाम के बजाय वो जो यूरोप का कल्चर है उसको सीख रही है, तो डेफिनेटली वही बोलना है। ओके ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या व्यूज़ हैं, क्या टॉपिक है आप, इसके अलावा और कौन क्या कहता है? हलील आप भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हलील जो है ना वो सम टाइम अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को कमेंट देते, नहीं मर्जी तो नहीं देते, ऐसा नहीं चलेगा। ओके कासिम अली खान के कहते हैं कि मलाला को शेख रशीद के साथ होना चाहिए, दोनों एक अच्छा ना अच्छा कासिम ठीक हो गया, सही हो गया। लेकिन इसका मतलब है कि हमारी वो तो चले यूरोप में है या अब्रॉड है जहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी लैक ऑफ इस्लाम है, जिसकी वजह से हमारी सोच मतलब न जाने क्या हो चुकी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आई थिंक सब जितनी डिस्कशन की जाए डायटीज फील्स आ रिलेटेड, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अपनी जो मैंने देखी है वो कोई भी पॉइंट हो, वो सिटी छोटा शहर गुजरात हो, बड़ा शहर इस्लामाबाद हो, बहुत सारा ऐसी एग्जाम्पल मिलती हैं। There are many people who don't consider that marriage life is important. वो कहते हैं सिंगल अच्छा है, सिंगल रहो और बस ठीक हो गया, सही हो गया। ओके जी जल्दी से ब्रेक पे जाना है मुझे।
अभी नहीं, नेक्स्ट से जो ट्रैक है मैं प्ले करती हूँ। अच्छा और कौन है? जमरूथ, हमारे साथ मौजूद है जमरूथ। मुझे बताएं कि आप पाकिस्तानी हो या कहाँ से बिलोंग करते हो? एंड जमरूथ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जमरूथ? खुशाम देखते हैं जमरूथ आपको, आपको हाय भी बोलेंगे। और कि जुबैर क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, हाउ आर यू जुबैर? कैसे हो? वेलकम कहेंगे आपको अपने शो में, और कहेंगे कि क्या कहोगे आज शो के बारे में, यहाँ कोई फीडबैक दें। और कासिम अली खान के कहते हैं कि एक कहावत है कि दूसरे का अच्छा, कासिम आपका जो मैसेज है पहले मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर मैं सोचती हूँ कि ये शामिल करना भी है कि नहीं, इतना ना ठाव करके मैसेज कर देती हूँ। ओके, इसके अलावा कासिम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं और निकाह सुन्नत है। एग्जैक्टली ओके, जमरूथ कहते हैं आई एम फ्राम इंडिया। ओके जमरूथ, आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में कि आपने इंडिया से हमें कॉन्टैक्ट किया। और जमरूथ का मीनिंग क्या, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप क्या कहते हो कि ये इंडिया से? अच्छा जमरूथ, अगर हमसे कुछ आपने शेयर करना, फीडबैक देना हो शो के बारे में, रेलिवेंट टू माई टॉपिक, रेलिवेंट टू माई शो, किसी तरह के ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दूँ पर्सनल आइडिया मेरी RJSania, RJ Capital Sania के पहले SANNI के नाम से मुझे ज़रूर बताइएगा। जमरूथ, अच्छा लगा कि आपने हमारी जो नेबर कंट्री है वहाँ से अपने मैसेजेस। जुबैर क्या कहते हैं? जुबैर कहते हैं आप अदास बहुत अच्छा प्यारी मेरी। अच्छा जुबैर, ये मुझे बताओ अपनी तारीफ की है कि मेरी की है, ये मेरे बहन ने अपनी भी कर ली है, मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है। एनीवेज थैंक यू सो मच माय प्लेयर पर लिए। और जमरूद क्या कहते हैं? रीड माय मैसेज। जमरूद आपके सारे मैसेज मैंने पढ़े, इसलिए मैंने आपको बोला कि बड़ा अच्छा लगे कि आपने नेबर कंट्री से हमें मैसेज किया। और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, पर्सनल आईडी भी मैंने आपको बताई है, अगर आपने ऑफिशियल हमारी आईडी है या फिर हमारा कहना कि सब उस पर भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या कहते हो। और फोन आई डी 59 है। और मेरा जो आपका साथ होता है एवरी सैटरडे शाम 4 से 6 तक होता है। जमरूद क्या कहते हैं? जमरूद कहते हैं मीन्स प्रेशियस स्टोन। जमरूद एग्जैक्टली, इसका मतलब है जमरूद आप भी बहुत प्रेशियस हो, अपने पेरेंट्स के लिए तो हो ही, बाकी सबके लिए भी हो। तो अच्छा लगा आपसे आपसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई, आपने शेयर की हमसे अपने जो नेम का मीनिंग है, और अच्छा लगा। इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल तो 6 बजे तक आपको मेरा साथ होता है, और नेक्स्ट शो में भी इसी तरह शामिल है, ताकि आप एक पार्ट बन जाए हमारी फैमिली का। 5 हो चुके, जल्दी से ब्रेक लेनी है, मैंने जो ब्रेक आज नहीं रखी हुई है जल्दी से ब्रेक में रख लूँ, ताकि डोंट गेट लेट। It's a time to have a very short music break, don't get anywhere. और यही से हम स्टार्ट करेंगे इसी सॉन्ग से ब्रेक के बाद। वक्फा बहुत ज़रूरी है, यहाँ से ही हम अपना स्टार्ट करेंगे। और साथ में मैं चाहती हूँ कि कुछ और भी शामिल कर सकूँ। अच्छा ज़रूर आप मुझे अपने कल्चर के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपके कल्चर क्या कहते हैं। जुबैर क्या कहते हैं? आपका अंदाज बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। और अख्तर अब्बास कहते हैं आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बिलीव मी व्हेन आई आस्क एनीवन अबाउट दिस रिलीजन 99% पीपल सेज ही इज सर्चिंग राइट रिलीजन। ओ माय गॉड, सीरियसली ये तो कह दें कि आपने बड़ी वो क्रूशियल बात कर दी है कि मतलब एक चीज़ वो कहते हैं ना कि बच्चा बगल में ढूंढोरा शहर में, एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, क्यों ढूंढ रहे हैं? तो जैसे कुरान पान करके रखेंगे तो फिर भूल जाते हैं, समझे? हम अपने घर में भी कुछ चीज़ें रख के भूल जाते हैं कि हमारे पास ये था, और कभी वो नजर आता है हम कहते हैं अच्छा ये था मेरे पास, ये भी वो बात है। बट आई होप्स हो कि आप अपना रोल जरूर प्ले करोगे इस कंसेप्ट को दूसरों से कंपेयर करने के लिए कि इस्लाम मौजूद है, डेट इज़ दी सुपर्ब एंड ओनली रिलीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। कासिम के कहते हैं कि ही नहीं है, अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, फ़ायदा होगा आपको, ठीक से है ना। जुबैर क्या कहते हैं? आप आईडी कैसी, नेम्स? अच्छा किस नेम से? मेरी आईडी RJSania, RJ Capital Sania SANNIA के नाम से मौजूद है, वहाँ पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और जो मेरे प्रोफाइल है डेट इज़ आ लिटिल बेबी है, जो एक जुगनू को देखो शो दी है, मैं अपने वो भी बता दूँ। हलील अहमद क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऑलराइट देन, सी यू
when I see you again, till that time, goodbye and Alafis. Alafis kenge aapko. And thank you so much for part of my show, for being a part of my show. Breaks and wapis aa chuke hain, chalte hain. खुशाम दीद कहेंगे वेलकम कहेंगे अपने तमाम रिसेंट व्यूर्स को, वो तमाम रिसेंट व्यूर्स जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो ट्यून किया है उनको खुशाम दीद स्पेशली कहेंगे. और कॉन्टैक्ट नंबर मैं दोबारा से बताते चलूँ किस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. 0537601961 एक्जैक्टली दोबारा से बताते चलो 0537601961 पे आप लैंड ऑन नंबर है कॉल कर सकते हो. व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0302395979797 पे आप शेयर कर सकते हो हमसे कोई भी चीज़. लाइव में जो तो हमारा कनेक्ट 97 के स्टूडियो से और एपी पे मुझे लाइव दे सकते हैं. जमूर्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शाम जी हम कह चुके हैं और कहते हैं कि अवर कल्चर इज दैट ऑफ कश्मीरी. ओके, क्योंकि जमूर जो है वो बिलोंग करते हैं इंडिया से, कहते हैं हमारे जो कल्चर है वो कश्मीरी है. कश्मीरी तो वैसे बहुत प्यारा है और क्या बात है, क्या कहना चाहिए, जन्नत नज़ीर है. और एक और कहते हैं शामिल मोगीज़ कहते हैं टोटली डिसएग्री, जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ ले या अच्छा ठीक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, वो भी सब कुछ बोल जाता है. ये भी ठीक है, ऐसे भी होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, अच्छा ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा नहीं होता, क्योंकि नॉलेज ऐसा है जो कभी भी एक पर्सन, जो स्पेसिफिक पर्सन, वो नहीं कह सकता कि मेरे पास टोटली नॉलेज है. तो वही बात है कि ये एक अभी मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, हदीस है या आयत है कि ऐ खुदा इस इल्म को मेरे लिए मुफीद बना. तो ये दुआ भी अल्लाह ताला ने ताफर में, क्योंकि खुदा बेहतर जानता था कि हर बंदा एक पॉइंट को है ना, एक नुकता है. फॉर एग्जाम्पल देर अ बोर्ड, एक बोर्ड है उसके ऊपर डॉट लगा हुआ है, हर एक अपनी माइंड के अकॉर्डिंग उसको जो है ना एलेबोरेट करेगा. तो दुआ करें कि खुदा ताला हमें जो नॉलेज अदा करें वो हमारे मुफीद बनाए. और इसी एक दुआ के साथ, नेक्स्ट ट्रैक के साथ हम जो है अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. आपके साथ होते हैं ठीक शाम 6 बजे तक. सो इन्जॉय दिस ट्रैक. ठीक हो गया. मेरा मूड तो मेरा म्यूजिक ठीक कर देता है. आप बताएं कि आपका जो मूड है वो कैसे ठीक होता है. मेरा मूड म्यूजिक ठीक करता है, या अपनी फ्रेंड से बात कर लूँ तो ठीक हो जाता है, या सो के उठे तो मैं आई एम फ्रेश. सीरियसली तो सुनिए जरा, इसको गौर से सुनो क्या कह रही है. लहजा इश्क जैसा तू जुबान पे मेरे, आपके जुबान पे कौन है. आप ही हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके, या व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपनी वीडियो कुछ भी शेयर करना चाहें उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप नाम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे. आप ही हमसे शेयर करें कि आपके जुबान पे किसका नाम है. कासिम क्या कहते हैं कि हमारा मूड आपकी टी देख के जो आज मिली नहीं आपको. वेरी फनी कासिम, वेरी फनी. आई हैव टेकन माई टी सीरियसली, और मैं आपको कप भी शो करवा सकती हूँ. मैं चाय पी चुकी हूँ हाँ इसलिए अपना मूड ठीक कर लो. और यूजुअली अब मैं चाय पहले ही पी लेती हूँ, गर्मी आ गई है और गर्मी में भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, गर्मी साफ लगती है, इसलिए मैं पहले ले लेती हूँ. ओके कासिम ने मैं क्या लगता आज से टी देना भूल गए आपको. अगर आपने मिस कर दिया है तो मैंने अपना कप आपको दिखाया है जिसमें मैं चाय पी चुकी हूँ. तो अगर मिस कर दिया तो बेस्ट हो ना, बातें क्यों करते हो, शेयर किया करो चीज़ें.
अक्सर बात करके थे नेक्स्ट मंथ आई विल बी इन पाकिस्तान, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है? एक्जैक्टली अक्सर अब्बास, ये मुलाकात ही है जो इस वक्त मैं यहाँ पे माराखान एफएम 97 के स्टूडियो से लाइव मौजूद हूँ और आप भी मौजूद हैं, ये मुलाकात ही है। और इसके अलावा कौन है दानिश कहते हैं कि आपका नोज छोटा क्यों हो गया है? Oh my God, इतना आप लोग वो है ना क्या कहते हैं नोट करते हो, छोटा नहीं हुआ। आई माइट बी आर थ्रू डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, इस वजह से छोटा कैसे होने, छोटा तो नहीं होता ना, बड़ा होता है, वैसे ही होता है। तो क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? एनीवेज जी 5 बज के 8 मिनट हो चुके हैं। कासिम क्या कहते हैं सर्जरी कहाँ? अच्छा अक्सर बस कहते हैं नाइस आंसर, ओके। और शेप क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम शेप, आपको मैं शो में वेलकम बोलूँगी एंड थैंक यू वेरी मच, और साथ में आपने भी बताइएगा। और उमर क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम, वेलकम कहेंगे आपको शो में। और बाकी बात रहेगी सर्जरी की, तो एक बात कहूँगी, खुदा ने जिसको जिस हालत में रखे हैं वो उससे बेहतर ना था ना ना हो सकता है। तो कभी भी खुद को चेंज करने की खुद से वो कभी कोशिश ना करें, क्योंकि कहते हैं कि नेचर में अगर इंटरफेयर करते हैं तो नेचर तबाह हो जाती है। ओके, दैट्स माय आंसर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे जैसा भी बनाया है, इनफैक्ट ये छोटी ब्लेसिंग नहीं है कि मेरे खुदा ने मुझे एक इस्लामिक जो है कंट्री, इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामिक फैमिली में मुझे भेजा है, इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ भी नहीं है। उम्मत मोहम्मदिया हूँ और क्या चाहिए, खुदा का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह 5:09 हो चुके हैं। और अभी जो मैंने ट्रैक प्ले किया हुआ वो उसका जो टाइटल है मोमबत्तियाँ, पंजाबी ट्रैक है, अगर आप सुन सकते तो उसे इंजॉय कीजिएगा। कासिम के कहते हैं कि काची आंसर, मरियम नवाज सुन रही हो? अच्छा शेफ के कहते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा दर्द की क्या कीमत है? शेफ आपका एक जो है मिसरा वो मुझे शो हो रहा है, सेकंड नहीं हो रहा, अगले मैं ज़रूर पूरा पढ़ती, लेकिन बाद में मैं जब शो घर जाके देखूंगी तो मैं ज़रूर पूरा पढ़ लूँगी, लेकिन तब आपसे शेयर नहीं कर सकूँगी। जमोट ने क्या बोला है कि अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना। अच्छा इमला भी आपका शो नहीं हो रहा, आप सेकेंड। अक्सर बात कहती है माशाल्लाह यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। कि कासिम अली खान के कहते हैं कि छोटी सी बात को इतना सीरियस लिया, अपनी सीरियस नहीं लिया, मेरी फैमिली हो। और मेरा ये होता है कि अगर मेरी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कोई अच्छी बात नहीं करना चाहूँ विद रेफरेंस, तो डेफिनेटली करो माइंड पे, मेरी एक बात से किसी के माइंड पे क्लिक हो, उसके जो व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाए। सीरियस नहीं लिया, अच्छा होता है कि आप इस तरह के जो व्यूज़ हैं ताकि मुझे उस पर भी जो है बोलने का मौका मिले। शेव साहब क्या कहते हैं, थैंक्स माई प्लेयर्स, ओके ओके। और इसके अलावा क्या है, उमर ज़िया मौजूद है, कहते हैं कि बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू वेरी मच। और कासिम, कासिम बहुत ज़्यादा था, कासिम कहते हैं कि जोक था। हाँ कासिम आपकी इस बात से मुझे एक जोक याद आ गया, लेकिन वो मैं सुनाऊंगी नहीं। कासिम कहते हैं कागज, ओके 5:11 हो चुके हैं। और इसी की लास्ट 2 मिनट बचेगा राउंड अबाउट 5:45 या 5:50 पे, आपके जो व्हाट्सएप के व्यूज़ हैं, व्हाट्सएप के जो है मैसेजेस और सिम पे जो मैसेज करते हैं वो मैं शामिल करूँगी, वो ज़रूर सुनिएगा। और यपने की हमसा का जो ट्रैक है वो भी मैं यहाँ से डायरेक्टली सुनाऊँगी, और नेक्स्ट शो में उसको मैं प्रोग्राम में शामिल भी कर लूँगी। ठीक हो गया, और एक और ट्रैक लेकर देखिए, अभी हमारे पास टाइम है कि हम प्ले कर सकते हैं। ओके जी, अभी आपने ट्रैक सुना है मोमबत्तियाँ, और अच्छा ये पंजाबी ट्रैक था, और आई थिंक सो कि मैं अपने हमेशा बेस्ट देती हूँ कि ऐसे ट्रैक्स अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकूँ जो आपने किसी और स्टेशन पे, यहाँ पे इसी स्टेशन पे ना पहले सुने हो। लाइव में मौजूद हूँ एफएम मालिका 97 के लाइव स्टूडियो से, और अगर आप वहाँ पे लाइव एफएम पे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एफएम मालिका 97 की लाइव जो आईडी है उस पे आईडी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वक्त जो कासिम अम्मा मौजूद हैं और
अहमद मौजूद हैं, कहते हैं हाय हाउ आर यू अहमद, कैसे हो, आप ठीक हो, फिट फाट हो? और इस वक्त 5:12 हो चुके हैं, आप मुझे कॉल करके भी बता सकते हो। दोबारा से नंबर बताते चलो, 0537601 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 0302395979797। मुझे ज़रूर बताइए आज आपने किचन में क्या किया है, क्या धमाके किए हैं। अगर किसी ने फ्राई इंडा फर्स्ट टाइम बनाया तो वो ज़रूर मुझे ना एक मैसेज कर दे, वो स्टोरी बहुत मज़े की होती है। और इसके अलावा एक और मैसेज शामिल करती हूँ, वलीद मौजूद है, वलीद वालेकुम सलाम डायरेक्टली बोल दिया, अस्सलाम वालेकुम है, वालेकुम सलाम। शेप कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो क्योंकि, अच्छा आपका यहाँ तक सीन हो रहा है। कासिम कहते हैं कि इनबॉक्स कर दिया है आप टाइम निकाल, अरे ओके मैं देख लूँगी डेफिनेटली, लास्ट टाइम में मैं देखूँगी। अहमद कहते हैं कि मैम खारिया से हूँ, बहुत पसंद करता हूँ आपकी आपके शो को, थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की चाहत है कि आप लोग इतना असर के बाद जाते हो। एनीवेज इस समय ऑन एयर भी मौजूद हूँ, और बात हो रही थी कि किचन में कुछ अगर आप ट्राई की है फ्राइड इंडिया टाइप कुछ भी कुछ बनाया है इतनी गर्मी में ना, तो दुनिया को पता भी ना चले कि मैंने कुछ बनाया, कैसे हो सकता है, पता चलना चाहिए दुनिया को क्या बनाया है। तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर आपको आई टोल्ड यू ऑलरेडी सेव करो, और जल्दी से पिक्चर वहाँ पे फेंको, मैं शेयर करूँगी कि आज जो है इस बंदे ने, इस शहर से, इस बंदे ने, इस सिटी से ये किया। ओके नेक्स्ट ट्रैक मैं प्ले करती हूँ पाकिस्तानी सॉन्ग है 2021 का, ये दिल है इसका टाइटल, इसको एंजॉय कीजिए। और दिस ओनली 1 मिनट ब्रेक लेने के लिए, लेकिन उसके बाद यहीं से हम शुरू कर लेंगे। और एक और मैंने सॉन्ग निकाला था, वो पहले भी प्ले करना था बट मैं नहीं कर सकी, कोई बात नहीं अब हम कर लेंगे। ओके कासिम कह के कहते हैं हमने पाए बनाए हैं, अच्छा वैसे वैसे इतनी गर्मी पाए आ तो रही थी, ईद ज़रा सफ़र कर लेना था, उस पर खा लेते तब पाए ही तो खाने हैं। और अच्छा मुझे पिक्चर भी वो शेयर कर लो ना व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देख तो सकूँ आपने बनाए हैं या किसने बनाया। और इसके अलावा कहते हैं व्हाट्सएप पे अच्छा पिक्चर भी भेजती है, मैं ज़रूर शामिल करूँगी। और पाया मुझे ये बताएं गारंटी है ना, वो निकल के टांग तो नहीं मार देगा, अगर सही पका तो फिर तो नहीं मारेगा। एनीवेज पाए का मजा भी अपने पाए साथ में, अच्छा मुझे ये फेवरेट है पाए, उसके अंदर व्हाइट कलर के चने और ऐड हो साथ में राइस होना, वो बहुत मज़े के होते हैं, और मुझे इसी तरह से पसंद डायरेक्टली पाया वो नहीं मुझे पसंद। 5:15 चल चुके हैं, 5:15 देर का टाइम है, वक्फा भी ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा वक्फा ज़रूरी है ना दूर की डोर सुहाने की वजह से। और हम ब्रेक पे चलेंगे, यहीं से नेक्स्ट जो है हम सॉन्ग को स्टार्ट करेंगे। शादी के वक्त तो यूं लगता था कि मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले ही दब जाऊंगा। ओके जमूर क्या कहते हैं कि आई सीम्स यू वीक एट उर्दू रीडिंग नॉट एट स्पीकिंग, ओके व्हाई डिड यू स्किप माय उर्दू पोएट्री फॉर मतलब नहीं जमूर आई थिंक सो, या तो वो रिसीव नहीं हुई या फिर मैंने सीन नहीं की, अदरवाइज जो मैं डेफिनेटली वो ज़रूर मैं शामिल करती, क्योंकि बाकी जो पोएट्री है वो भी शामिल कर रही हूँ। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें जो है ना, अगर आपने भेजी है पोएट्री तो उसका जो फर्स्ट मिसरा वही नज़र आता है, सेकंड नज़र नहीं आता। आप दोबारा से सेंड करें, मैं ज़रूर शामिल करूँगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ और उर्दू इज माई नेशनल लैंग्वेज, आती है मुझे। और उमर अजीज रियाज के कहते हैं आज छोटी आज छुट्टी है इसलिए, ओके उमर ये भी बताए ना आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि छुट्टी से मुराद लॉकडाउन है या वैसे है, ये भी मुझे ज़रूर शेयर करें। और सिटी नेम या कंट्री नेम आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो वो तो बहुत ही लाडली है हमारे शो के, क्योंकि उनको वो ज़्यादा क्लोजिंग चाहते हैं पाकिस्तान से, तो ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, और मतलब लाइफ में आगे क्या है। और ज़रूर तो आप भी मैसेज ज़रूर करें, मैं डेफिनेटली शामिल करूँगी, क्योंकि आपका ये मैसेज भी शामिल किया है तो वो भी मैं करूँगी। ओके आज जो मेरी फर्स्ट टाइम जो है ना, मैंने अपनी दोनों आईडीज जो है ना अपने शो की वो शेयर की हैं, एक रेडियो
आईडी आरजे सन्या के नाम से है और आरजे सन्या आईडी ना है दो है, और दोनों आप सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकूँ, अगर आपको लगता है कि इट्स ओके तो ठीक है, अदरवाइज इसमें फिर हम चेंज भी कर देते हैं। With you, and you are with us. With us. अपने आई के साथ में रिपीट कर रही हूँ मैं। सॉन्ग्स जो मैंने स्पेशली आज फाइंड आउट किए हैं उनमें जो है अभी तीन बाकी है। डेफिनेटली मैं कोशिश यही होती है कि जितने मैं निकालूँ सारे अपने एक ही शो में प्ले कर दूँ, ताकि नेक्स्ट एक न्यू कलेक्शन के साथ जो है आपके साथ इसी प्रोग्राम में शामिल हूँ अपनी एक फैमिली के साथ। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे जो है और सिर्फ पाकिस्तान में से स्पेशली ये बात करूँगी, पाकिस्तान में तो फ्राइडे एंड सैटरडे लॉकडाउन है, टोटली हर चीज़ क्लोज होती है। और मेरा ये होता है कि मेरा सैटरडे को शो होता है और सैटरडे को रस्ते में कुछ चाहिए होता है, तो मतलब ये होता है कि मार्केट तो क्लोज है, अब क्या किया जाए, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलना तो है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना तो किसने करना है। ओके, उमर रियाज कसाना मैं समझौते कहते हैं कि मैं इटली में हूँ। ओके, और अभी फ़िलहाल पाकिस्तान गुजरात से पिंडी, अच्छा ठीक है अभी पाकिस्तान है, ओके सही हो गया, और इटली राइट। वैसे इटली के पीछे जब लॉकडाउन जब कोविड 19 था मेरी स्टार्टिंग में, तो काफ़ी क्रूशल पोजीशन थी, मैंने देखा था। एंड एनीवे से अल्लाह की आला पस सेफ एंड साउंड आमीन। और अमजद अली क्या कहती है, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, मैं कर देती हूँ वालेकुम अस्सलाम। उमर कहती है कि आपका बहुत अच्छा शो है, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। और अमजद ने क्या बोला है, ओके अच्छा ठीक है, आपने उनको जवाब दिया, ठीक है मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैं अगर बात करूँ तो इस्लाम का ट्रेंड भी हम लोगों ने खेले के वही जो हम सुनते हैं वो कर देते हैं, और ये नहीं समझते कि वो ठीक है कि नहीं, बस कर दिया। तो इस्लाम ऐसी थी जो हम दूसरे पे सलामती देते हैं, और दूसरे का जो जवाब होता है वो हम पे सलामती होती है, और कौन नहीं चाहेगा कि उस पे सलामती हो। तो इसलिए जो चीज़ है ना, इसको देखा करें, इस्लाम किया करें। और मेरा यही कोशिश होती है कि कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले इस्लाम करूँ, पर्सनल कॉल हो या फिर ये स्टूडियो में हो या कितनी दफ़ा भी हो, तो ये एक अच्छा मैसेज कन्वे होता है। मालती मेरे इस हैबिट जो है विचुअल से कोई और अडॉप्ट कर ले, किसी की अच्छी आदत में अडॉप्ट कर लूँ। अहमद क्या कहते हैं, आप हमेशा की तरह आज भी प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच सो मच सो मच। अच्छा मैं खुशी हो जाती हूँ ना, ठीक है जो भी अच्छा कह रहे हैं, तो बुरा कहते तो मैं कि चलो बता दो क्या करूँ इसमें, थैंक यू सो मच। और जवाद अंजुम कहते हैं वाह, अच्छा जवाद आप मतलब रिप्लाइंग ही कर रहे हैं, कुछ इधर शो में भी पार्टिसिपेट करें। अच्छा नेक्स्ट वो ट्रैक मैंने जो न्यू ट्रैक है दिल ये दिल वो मैंने प्ले किया हुआ है। उमर क्या कहते हैं कि नहीं अभी भी इटली में, अच्छा ओके ठीक सही हो गया। उमर मुझसे ज़रूर शेयर करें ना, क्योंकि डेफिनेटली ओवरसीज पाकिस्तानी का भी फैमिली नहीं है तो सारे काम अपने हाथ ही करते हैं, तो बड़ा इसमें मैं हार्ड भी होती हूँ, सैड भी होती हूँ, क्योंकि मेरे अपने भाई भी अब्रॉड होते हैं, तो जो भाई तो यहाँ पे ऐसे होते थे मतलब ग्लास पानी भी नहीं पीते थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने सारे काम करने होते थे। उमर आपको फैमिली को तो मिस करती होंगे, लेकिन जो आज किचन में आपने गन डाला है ना वो शेयर करो मुझसे। अच्छा फीमेल से देन फीमेल, मेल ज़्यादा सुघड़ होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, चाहे वो कुकिंग हो चाहे घर की सफाई हो, मतलब हिफाजत हर चीज़ में वो ओके होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो मुझे ये ज़रूर शेयर करें कि आपने आज किचन में क्या बनाया है, और अगर अभी लंच या डिनर का टाइम नहीं हुआ तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपने आज ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में क्या बनाया, क्या खाया है। ओके, जमूर्त क्या कहते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी,
फितना इमलाक भी उलाद भी जगीर भी फितना। अच्छा जमूत मुझे याद आया आपका जो है ना फर्स्ट जो मिसरा है वो मैंने पढ़ा था, आप मैंने पूरा पढ़ दिया, अब तो ना खास नहीं है ठीक है। उमर के कहते हैं हाँ जी ओके शुएब सबके कहते हैं कि एक बार कवाली लगा दें तुम्हें दिल लगी बोल जानी पड़ेगी। अच्छा फिर थोड़ी सी आपको कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो है कवाली की कलेक्शन अभी मेरे पास नहीं है, तो नेक्स्ट शो में मैंने हमजा का एक ट्रैक वो इंशाल्लाह प्ले करूँगी और आपकी कवाली भी प्ले करूँगी, मैं नोट कर लेती हूँ। ठीक हो गया, नेक्स्ट शो में मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली प्ले करूँगी। अहमद इतनी खुशियाँ किस खुशी में ओके 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 आगे मुझे 30 पे ब्रेक पे जाना है और एक और सॉन्ग जो है आई थिंक वो मुझे प्ले कर लेना चाहिए। हाँ ओके मुगीस क्या कहते हैं, मुगीस मुझे अपने नाम का मतलब ही बताइए। अच्छा मुगीस कहते हैं कि चांद वाला क्या चने वाले चावल, ठीक है लंच में ठीक है चने वाले चावल, ब्रेकफास्ट में राइस। अच्छा मैं ब्रेकफास्ट में राइस बहुत कम यूज़ करती हूँ, बल्कि कहने के मुझे पसंद नहीं है, अगर कभी मजबूरन खाने पड़ जाए तो, अदरवाइज ब्रेकफास्ट मुझे वो लाइट से ही अच्छा लगता है, बस अच्छा है चने वाले चावल लाओ वाइट चने का भूख लग गई है। अहमद के कहते हैं कि माँ ने कवाली का कहा इसलिए हंसी आई, ठीक है वैसे हंसने की वजह क्या थी, मैं भी हंस पड़ूँ कवाली के लिए, अच्छी है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। इनफैक्ट ये जो है ना राहत फतेह अली खान ने भी ये इस पर सिंगिंग की हुई है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रूम में वो ही शामिल कर लूँगी। आने चाहते हैं काफ़ी टाइमों के मुझे आने गए हुए, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल माई पाकिस्तानीज, माए प्यारे प्यारे शोने शोने से गुगले मुगले से लिसन एंड व्यूर्स। शुएब क्या कहते हैं, कहते हैं कि अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि क्योंकि आगे आपका मैसेज नजर नहीं आ रहा इसलिए अपनी मर्जी से जियो। आप इसी तरह अपने दिल की आवाज़ अपना कोई पैगाम अपना कोई मैसेज मुझसे कन्वे कर सकते हैं, किस तरह से दो नंबर बता चुके हैं, लैंड लाइन नंबर से आप अपने दिल का हाल बता सकते हैं उसको जिसको आपने सुना है। वो कहते हैं ना करनी माँ से सुनानी ही बहू को लाइक दिस, तो नंबर में बता दो 0537601961 और व्हाट्सअप नंबर है हमारा 0302-3959797 पे आप भी बता सकते हैं कि आप क्या कहते हैं कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। मैसेज कुछ लाइव में चूज हूँ मैसेज शामिल करूँगी। उमर रियाज कहते हैं कि इधर ओके आपका पास आउट हो गया दोबारा मैसेज करें। मुकेश कहते हैं कि माई नेम मीनिंग इज हेल्पफुल, ओके दैट्स गुड, आपका अल्लाह करें आपका नाम का असर भी हो आप पे। और जमरूद क्या कहते हैं कि क्या मैगी बनाना, अच्छा मैगी बनाना आती है मुझे मैगी, ओके आप उसकी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। कॉल अटेंड करते हैं देखते हैं हु इज विद अस एट दिस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इसरार अहमद मुगल फ्रॉम मसीहा। कहां कहां हो गए आपको मलका यालिया, हम तो नहीं बोल रहे, हम कैसे बोल रहे थे आप अकेले हो ना इसलिए नहीं बोलते हो अच्छा कौन इस समय मौजूद है? जी मैं गुजरात से बात कर रहा हूं। इसरार हेलो जी आ रहा है मुझे जी जी नाम बता दे मुझे। अंसर अंसर हाउ आर यू, मैं कहने लगी थी अंसर अंसर कैसे हैं? हेलो हेलो अंसर क्या हाल है आपका, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा अंसर मुझे ये बताओ कब से शो सुन रहे हो, कब से शो सुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ शो कब से ज्वाइन किया हुआ है, टॉपिक सुना है आज क्या टॉपिक है? चार बजे से सो रहा हूँ लेकिन ट्रांसमिशन भी ठीक नहीं आ रही, कॉल करता हूँ तो फिर आपकी आवाज खराब हो जाती है। अच्छा आप वैसे मैंने अभी कॉल और अटेंड किए, तो आप ऐसा किया करो ना आप रेडियो प्ले करके ना हैंड फ्री लगा लिया करो। हैंड फ्री लगा तो उसके साथ बिल्कुल आवाज नहीं आती। अच्छा मुझे ये बताए टॉपिक के बारे में क्या कहते हो?
टॉपिक के बारे में क्या कहोगे? अच्छा टॉपिक मैं बताती हूँ कि मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि शादी के लिए निकाह जरूरी नहीं है, आप क्या कहते हो उसके बारे में? ओके आप दोबारा ट्राई करो तो डेफिनेटली कॉल अटेंड होगी। ओके उमर क्या कहते हैं? उमर कहते हैं श्वेत ने थैंक यू बोले माई फ्लाइर, और उमर कहते हैं कि आलू गोभी भी बनानी दिन पहले वो भेज सकता हूँ पर इधर शेर कोई नहीं होनी। ओके शेर से मुराद है आई मीन टू से कि आपने कोई भी कुकिंग की है उसकी पिक्चर लो, कैप्चर करो, व्हाट्सएप नंबर सेव करो और वहाँ व्हाट्सएप करें, वहाँ शेयर करें, ये मतलब था मेरा। और अच्छा आलू गोभी भी बनाती हूँ, मुझे गोभी मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि गोभी का जो पराठा है वो मुझे बहुत फेवरेट है, साथ में अक्का पट्टी, चाय तो हर जगह है ना। और कहा जाता है ना कि दिल वाले वही है जो 45 डिग्री में भी चाय पिए लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और कहाँ से? इसरार अहमद लोहिया। ओके इसरार मुझे बताओ क्या कहते हो टॉपिक के बारे में, क्या निकाह जरूरी है शादी के लिए? मलाला यूसुफ़ज़ई कहती हैं कि शादी के लिए निकाह जरूरी नहीं है, क्या कहते हो? अच्छा इसरार, अच्छा इसरार शो के बारे में क्या कहना चाहोगे? शो तो अच्छा है, शो के बारे में क्या कह सकते हैं, बस तो खत्म। नहीं बिल्कुल अच्छा कर रही है, नजर ना लगे। ठीक है तो ये मेरा अपने माइक की थोड़ी सी देर तक करें, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक सही, मैं देखती हूँ। और इसके अलावा क्या कहोगे? ये जो मलाला यूसुफ़ के बारे में पूछनी है ना, हाँ वही तो ये जो भी उन वो बात आप कह रही है ना कि मैंने की है कि निकाह जरूरी नहीं है, हाँ तो वो जो ये जो बात इंसान बोलता है वो मुसलमान नहीं है। ठीक है सही। हाँ जी तो जिस कंट्री में होंगी उस कंट्री का रूल वैसा ही होती है ना, कि जैसे हमारा एक दोस्त होता है ना उनकी जो बीवी होती है वो समझिए कि दोस्त तरह ही होती है। अच्छा मेरे दोस्त के पान में है वो वहाँ के रूल बताता है फिर क्या कुछ होता है, निकाह वगैरह नहीं तो बस पढ़ा जाता। सही ठीक हो गया। बात बोल रहा हूँ वहाँ पे यही है कि लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक आपस में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। अगर लड़के का पता चल जाए कि वो किसी और लड़की के साथ उसकी कैटिंग है तो वही पे ही वो रिश्ता खत्म। अच्छा अगर लड़का देख ले तो लड़की का कहीं से मतलब चल रहा है वहाँ भी खत्म हो जाएगा रिश्ता उनका, निकाह वगैरह वो नहीं करते। ठीक सही हो गया। अपने मुल्क के हिसाब से जो तरीकाकार है वो भी कोई निकाह वो नहीं होता उनका। ठीक है हाँ जी सही हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? और माशाल्लाह आपको तो अच्छा लग रहा है आपको सुन के, ठीक और अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी का आमीन आमीन सुम आमीन। तो आ जाए अगर एक हफ्ते में एक बार आप जाना होता है वो भी जब वाले दिन। अच्छा सॉरी उसके लिए कि आपको वेट करना पड़ता है, बट मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी हूँ। ओके थैंक यू सो मच स्टार, थैंक यू। नाम तो दे देंगे तेरा। जी जी दीजिए जल्दी से। हमजा भाई, रैगन भाई, अंकल बीक, अंकल तकीर, और उसके अलावा सोनिया, दुआ, खदीजा, आशा, मुगल, नीला जट, मरियम, हबीबा, महवेश, और दुआ पढ़कर कहूंगा कि वो जहाँ भी है कॉल किया कर रही है तो उनकी बात नहीं आ रही। ठीक है थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जल्दी से ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक का टाइम हो चुका है, इट्स 5:31, जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा कुछ मैसेज शामिल करने के माजिद क्या कहते हैं, इस्लाम
माधवी फ्राम जद्दा से उन्होंने हमें जो है मैसेज किए, थैंक यू सो मच। और सोदिया से माजिद आपको अपने शो में वेलकम किए और शांति कहेंगे, बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतनी दूर से बैठ के हमें मैसेज किया है, ठीक है। और मुदस्सर क्या कहते हैं, मुदस्सर कहते हैं सलाम सलाम हवा जी, मुदस्सर कैसे हो, आप ठीक हो, फिट फाट हो, आपको भी हम अपने शो में वेलकम कहेंगे और चाहेंगे कि ज़रूर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आज किचन में उन्होंने क्या किया है वो मुझसे शेयर करें ज़रूर कि किचन में क्या चल रहा है। डेफिनेटली आपका किचन बड़ा नीट एंड क्लीन होगा क्योंकि मर्द बड़े सुगर होते हैं। देखिए मैं एक फीमेल होकर जो मर्द को अप्रिशिएट कर रही हूँ, बिकॉज रियलिटी इज रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से हम डिनाई नहीं कर सकते। गुड इवनिंग पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानी, आपके साथ मौजूद है आर जे सन्या फ्रॉम योर मोस्ट मोट एंड मोस्ट वांटेड एफएम एफएम हमारा खारिया 97, हमारा और आपका इकट्ठा जो है वो खारिया 97 के स्टूडियो से मैं लाइव में मौजूद हूँ। और कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जी? हमजा बता जी, जी बताइए मेरी आर जे सनिया एस ए डबल एन आई ए के नाम से मौजूद है, ओके। और जो प्रोफाइल है वो एक जुगनू है जिसको एक फीमेल बच्ची है बेबी, ठीक है, वो देख रही है। हाँ लद्दाख उसे से पूछ लेना, ठीक है। वो एक ट्री पे बैठी हुई है और जुगनू को देख खुश हो रही है, फेस उसने कवर किया है ना इस तरह से कि, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके जी, 5:33 हो चुके हैं और अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस मैंने लास्ट पे आप लोगों के जो मैसेजेस हैं आप लोगों ने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं, फोन पे शेयर किए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है कुकिंग वो भी शेयर की है। बट अच्छा लगेगा अगर आप अपने कोरियोग्राफी या कोई आर्ट को फन कोई अपनी एबिलिटीज क्वालिटीज जो आप में मौजूद है वो आप शेयर करें यहाँ पे। और मैंने जो प्ले किया था राफत अली का सॉन्ग था लेकिन ब्रेक के अकॉर्डिंग मुझे वो कट ऑफ करना पड़ा, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और वो लोग जो इसको इंजॉय कर रहे थे, कीप इट इंजॉय अगेन। exactly 45 पे जो है ना आपके मैसेजेस में शामिल करूंगी। अहमद कहते थे प्लीज काइंडली सेंड नंबर, नंबर आपको मैं नंबर बता दें प्लीज अगेन, ओके, नंबर आपको मैं दोबारा बताती हूँ। लैंडलाइन नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हो वो नंबर है, स्लोली बताऊंगी, नोट कर लें, 0537601961, ओके रिपीट करती हूँ, 0537601961। और व्हाट्सएप नंबर है 03023959797 एंड 97, अगेन बताती हूँ, 03023959797 एंड 97, ओके। अभी बोल रही हूँ, थैंक यू भी आ गया जी, क्या तुम्हें सर्विस है अहमद। और अहमद आप शेयर कीजिएगा कि आप क्या शेयर करना चाहते हो। शसेफ और रेच आज शजीब को बोलेंगे और बोलेंगे क्या कहते हैं शजीब, कहते हैं मैम बड़ी देर बाद आप लाइव आई हैं, जी नहीं यू आर रॉन्ग, क्योंकि मैं लास्ट सैटरडे मैंने मिस किया है तो बस सेकंड लास्ट सैटरडे आवर्स लाइव है, ठीक है, और आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, अभी आ गई हो देर आए दुरुस्त आए। और अच्छा टॉपिक आपको बता देती हूँ, टॉपिक के मलालू यूसुफ जई ने स्टेटमेंट पास की है कि शादी के लिए निकाह ज़रूरी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, क्या वजह है और वैलिडिटी क्या, वो तो हमें पता ही है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन हम आज हमने करनी है। एक स्टेटमेंट मलालू यूसुफ जई ने दी और आज एक स्टेटमेंट वो है जो आज हम यहाँ पर करेंगे, समराइज करेंगे इसको। अहमद कहते हैं जी ज़रूर, ओके जी, मोस्ट वेलकम, माई प्लेजर। रब दिया रब जाने, बात यही है, सच रियलिटी है कि रियलिटी खुदा ही बेहतर जानता है, वो ही बेहतर जानता है कि क्या है। शसीर के कहते हैं कि ओ सॉरी मैम, इट्स ओके, यू नीड नॉट टू से सॉरी, यू नीड नॉट टू एक्सक्यूज मी, बट
समथिंग जिस तरह से मैं अगर कभी शो मिस करती हूँ, जैसे लास्ट सैटरडे मिस किया है, तो जिस तरह से आप मिस करते हो उसी तरह से मैं भी मिस करती हूँ कि मतलब मेरा वो लिस्नर, वो व्यू जो है ना, वो आज शो में शामिल नहीं हुआ, तो इसी तरह से शामिल हुआ करें। और फैमिली का एक मेम्बर भी का कम हो तो फैमिली डिस्टर्ब सी लगती है, ऐसे ही है ना? एग्री, आइंदा से नहीं करना। कुछ मैसेजेस भी देखें क्या कहते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज किसने यहाँ पे क्या शेयर किया हुआ है रेलिवेंट टू दी कुकिंग स्पेशली सीरियसली। रब दिया रब जाने, बात तो सच है लेकिन बात है रिसवाई की, लेकिन कोई बात नहीं, हम शामिल करेंगे। ओ माय गॉड, रब दिए रब जाने ठीक हो गया। उसके बाद मैंने शायर जो है ना, सरमत कदीर का सॉन्ग है शायर, वो मैंने निकाला हुआ है, आप उसको इंजॉय कीजिएगा। और इनफैक्ट जो है मैंने आई शुड डाउनलोड ऑल दी मैसेजेस ताकि मैं प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। और हमजा ने शायद आज वॉइस भी किया है, अगर वो मुझे रिसीव हुआ तो वो भी, हमजा अगर आप सुन रहे हो तो मैं ज़रूर शामिल करूँगी। इतनी ज़्यादा पिक्चर्स, मतलब क्या मुझे भूख लगवानी क्या चाह रहे हो कि मैं क्या करूँ, ये जुल्म है, ये चंगा नहीं किता। एनीवेज जी, अच्छा शहजेब हरेश के कहते हैं कि क्या, अच्छा शादी टेंट करके, अच्छा नहीं शादी टेंट के ज़रूरी नहीं है, जो मेहंदी है वो ईद पे लगे, शादी पे ही लगे, और इसमें भी लॉजिक्स हो सकते हैं तो इस वजह से लगी है, लेकिन हाथ होते ही मेहंदी के लिए और मेहंदी होती ही हाथों पे लगने के लिए, तो फिर क्या है, लगने दो ना, लगाने दो, क्या चाह रहे हो। शायर सरमा कदीर का अगर मैं जिक्र करूं तो सरमा कदीर के म्यूज़िक अच्छा होता है, वॉइस भी अच्छी है, लेकिन उनको वो फेम नहीं मिली जो एक अच्छे सिंगर को मिलती है। दैट्स डिपेंड ऑन लक एंड रब दिया रब ही जाने। फोर्टी फाइव पे मुझे जाना है ब्रेक पे, और मेरा दिल है कि एनीवेज कासिम अली खान भी अच्छे लगते, अच्छी प्यारी सी स्माइल होती है। शहजेब के कहते हैं कि बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शहजेब, आप जैसे लोग हैं जो अप्रिशिएट करती हैं, सही बात है, दूसरे लोग तो पता नहीं क्या। हाँ शहजेब के कहते हैं ना लगाया करें मैम, नज़र लग जाएगी, किसको नज़र लग जाएगी, पहली बात के मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि नज़र लगेगी, जैसी भी है ठीक है, अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा। और दूसरा जो है कि सामने बड़े अच्छे वर्डों में बताया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के वो बोलने में चाहिए, तो नज़र बिल्कुल भी नहीं लगती है। और शहजेब ने रिप्लाई है, अच्छा खुद ही लगी हुई ने सारे ना खुद ही ठीक हो गया, अच्छा लगता है कि आपस में भी हम डिस्कशन करते हैं और मेरे साथ भी करते हैं, तो एनीवेज चलता रहता है इस तरह। एक्साइटेड हूँ वो सारी, अभी जो है मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो डेफिनेटली मैं ये शामिल करूँगी। क्या बात है, कसम से कासिम क्या कहते हैं, ठीक हो गया, सही हो गया, ये भी अच्छी बात है। अच्छा शहजेब ने मेहंदी का बोला है, कासिम ठीक है सही हो गया, आपने नहीं बोला तो किसने बोला है। अहमद माशाल्लाह कहते तो नज़र, हाँ ठीक है एग्जैक्टली माशाल्लाह कहते नज़र नहीं लगती है। अहमद थैंक्स फॉर गिविंग मी फेवर। असी फीके फीके जो हैं तुम मीठे मीठे हो, ओके अच्छा सॉन्ग है, अच्छी पोएट्री है, बड़े फनी किस्म की पोएट्री है कि जो है खुद को क्या, खुद को बुरा कहना दूसरे को अच्छा कहना। एनीवेज आप जो इस ट्रैक में जाए कीजिए, और एग्जैक्टली 45 की ब्रेक के बाद मैं जब वापस आऊँगी तो आपके मैसेजेस भी शामिल करूँगी, इंजॉय दिस ट्रैक। कासिम आपको लगता है कहीं से कि मैंने ये मांग की है, ओके शजवी कहते हैं ओ कासिम बंदा बन होना राम है। कासिम कासिम कहते हैं कोई मसला
ओके शशि, नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी ठीक है, सही हो गया। मतलब फन में कहते हैं ना हम सारे, ठीक है ओके। अभी जो है 4:41 हुए हैं, 45 में ब्रेक है, थोड़ी सी मैसेजेस या मैं चाह रही थोड़ी सी डिस्कशन जो है ना वो मैं आने जाके वो कर लूँ। खुशामदीद एंड खुशामदीद, गुड इवनिंग बोलेंगे तमाम लिसनर्स एंड व्यूअर्स को, और वो लोग जो अभी अपने बिस्तर से उठे हैं ना, आंखें मल रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं कि सर भारी हो गए हैं या चाय चाहिए, या मैं शॉवर लेके आऊँ तो मेरे आने तक चाय रेडी हो, खाने रेडी हो, तो कोई मसला नहीं। आप साथ में एक चून भी कर चुके हैं, अगर नहीं गए तो जल्द से चून कर लें और आपको साथ मज़ा आएगा, थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी जो है ना आप जो फ्रेश हो जाओगे, ठीक है। और आपको बताते चलूँ, मैं सो लाइव मौजूद हूँ सब हमारा खाना एनर्जी सेवन के स्टूडियो से, और जो आईडी है वो यही सी आईडी से आप जो लिंक करेंगे और लाइव मौजूद हैं। अभी पे कुछ मैसेजेस जो लाइव मौजूद हैं मेरे साथ, प्यारे प्यारे और सुंदर मुखी से लोग, उनके शामिल करेंगे। शाहजेब फरेश मौजूद हैं, कासिम अली खान मौजूद हैं। और अच्छा कासिम, आपको एक मैसेज देती हूँ कि डेफिनेटली जैसे आप अगर मुझे फेवर करते हो ना कोई और मतलब कमेंट्स आए फेवर करते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, तो इसी तरह से जो है कमेंट्स तो होते रहते हैं ना, फेवर आपकी भी अच्छी लगेगी, फेवर दूसरों की भी अच्छी लगेगी। एंड आई नो वेरी वेल के यू वाज जोकिंग, अपने मजाक के, इट्स ओके, सो लीव इट। आशा से वरेज कहते हैं ओके ओके दैट्स गुड। अच्छी ये है स्पोर्टमैन स्पिरिट जो हमें अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी रखनी चाहिए। टॉपिक जो है वो आज हमारा कि मलाला यूसुफ़ज़ई के अकॉर्डिंग शादी के लिए निकाह ज़रूरी नहीं, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी, ऐसा क्या लॉजिक है, क्या वजह है कि एक बीइंग अ मुस्लिम वी डोंट हैव करेज इनफ टू कमेंट्स लाइक दिस स्टेटमेंट। तो आप बताएं कि उसने क्यों दी, क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है और उसमें रियलिटी कितनी है, आपके क्या व्यूज़ हैं। 5:43 हो चुके, इसीलिए आपके मेरा साथ रहते 5:55 तक, और लास्ट में जब टाइम आते थे शो का उससे मुझे लगता है कि मेरा जो गला है ना वो बस आवाज़ मेरी बंद ही होने लगी है, बस बंद ही होने लगी है, बैठ चुके। तो कोई बात नहीं, इस तरह जो चलते रहते आप भी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हुआ करिए, और प्लीज़ बींग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, फैमिली जो है मेरी वो है म्यूज़िक कैफे की। और वो लिसनर व्यूज़ जो फर्स्ट टाइम मुझे आज सुना या देखा है, तुमको बताओ आपका मेरा साथ होता है ओनली एंड ओनली सैटरडे को 4:00 to 6:00 तक। और एक और मैसेज शामिल करूँगी, कासिम अली खान कहते हैं आपसे मजाक किया ना कि इससे मजाक किया। अच्छा कासिम, प्लीज़ काम डाउन, बी रिलैक्स, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं उस चीज़ को लाइट ले रही हूँ तो यू डोंट बॉदर, ठीक है, लीव इट प्लीज़ ओके कासिम, ओके कहते हैं। कासिम जो है ना पूरी तैयारी में है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से। एनीवेज जी, ये तो चलता रहता है चिटचैट, गपशप और फन एक्टिविटीज़, आप मुझे ये भी शेयर कर सकते हैं कि इस वीकेंड पे आपने क्या प्रोग्राम बना रखा है लॉकडाउन में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एक्टिविटीज़। और आई थिंक संडे को जो है वो कुछ पॉइंट्स ओपन होते हैं, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम जो है आप अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर लें, कुछ एक्टिविटी फैमिली के साथ कर लें, आउटिंग पे बाइक से बनाते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, इससे भी मान जो है काफ़ी फ्रेश हो जाता है। बट डोंट स्टे टोटली टाइम एट जो होम, उससे आप पर माइंड तो बंद होगा लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो भी आपकी डाउन होती जाएगी, ओके। और 5:45 हो चुके, मुझे एग्जैक्टली ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के वापस आएंगे तो आपके जो मैसेजेस हैं वो शामिल करूँगी। इट्स माई वेरी 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 लास्ट लाइन, सो डोंट गो एनीवेयर, इसके बाद आपकी मैसेजेस जो मैं दिखाऊंगी और आपने जो कुकिंग शेयर किया वो भी डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक कैफे विद आरजे सन्या। अच्छा कासिम, वैसे मैं ब्रेक ले चुकी हूँ, शायद थोड़ा सा लेट हो गया था, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी रिमाइंडिंग मी ब्रेक। और लास्ट ये लिंक है, उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करूँगी।
आईडी भी अपनी रख ली जाए यहाँ पे, बिकॉज वो भी तो जरूरी है आईडी को पे करना। अच्छा आप जो है जो व्हाट्सएप करते हैं साथ में अपना नेम भी मेंशन किया करें और अपना कंट्री नेम, अगर आप ओवरसीज हैं और अगर पाकिस्तानी है तो अपने साथ सिटी मेंशन किया करें, क्योंकि एक नाम से कई लोग होते हैं। फिर आपने बाद में बताना भी तो है ना कि वो जो आर्टिस्ट समिया ने मैसेज पढ़ा था ना वो मेरा था, मेरी आवाज़ जो है ना ड्यूरिंग शो तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन जो मुझे ब्रेक नहीं मिलती है वो कंटिन्यूसली टू आवर्स जो है मुझे बोलना पड़ता है, तो आवाज़ बेचारी फिर क्या करे। उसने कहना कि मतलब ओवरलोड ही डाल दी आज, लेकिन आई हैव टू स्पीक एंड आई वांट टू स्पीक, आई लव टू स्पीक सीरियसली। सबसे पहले कुकिंग वाले जो है ना वो पीछे मैं बाद में शेयर करूँगी। अच्छा हमजा की जो वॉइस है वो अभी तक मुझे नहीं रिसीव हुई, रिसीव होगी तो उसको मैं ज़रूर शामिल करूँगी, और कुछ पोइट्री है पोइट्री वो भी हमें रिसीव हुई है वो भी मैं शामिल करूँगी। खुशामदीद कहेंगे अपने तमाम रिसेंट व्यूअर्स को एंड गुड इवनिंग पाकिस्तानी एंड ओवरसीज पाकिस्तानी में तमाम रिसेंट व्यूअर्स को खुशामदीद कहेंगे, होश नहीं जहाँ रहें आबाद रहें और इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस मैंने कहा था कि आप लोगों के जो मैसेज है वो लास्ट में मैं ज़रूर शामिल करूँगी, स्पेशली सबसे पहले व्हाट्सअप के जो मैसेज हैं। शाहजेवर एच ओके हमारे साथ मौजूद हैं, नाम नहीं मैंशन किया, इन्होंने कुछ पीस ऑफ प्रोटी हमें व्हाट्सअप किया, वो कहते हैं कि वह हर हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला, जपता था वो हर हर सांस में जपता था मेरे नाम की माला, कभी महताब कहता था कभी माहीन कहता था। ठीक, महताब और माहीन ऐसे दोनों लड़कियों के नाम है, समझ आओ ये क्या कहना चाह रहा था, आपको बाद में समझ आएगी। और क्या कहते हैं कि कभी आने नहीं देता था मेरी आँख में आंसू, कभी आने नहीं देता था मेरी आँख में आंसू, मेरे अश्कों को अपने इश्क की तुहीन कहता था। ओ लसू आपने ना बात ही नहीं समझी, उसकी पहले समझी होती आज ये ना होता। आगे जी मैं जल्दी से शेयर करूँगी। अच्छा कासिम अली खान, ओके जी कासिम अली खान की चंगा नहीं किया कासिम अली खान इतनी सारी बेच के। अच्छा सीरियसली आज सब कुछ आपने ही बनाया और आज ही बनाया कासिम, आई कॉन्ट बिलीव। मुझे ये तो पता था कि जो मेल होते हैं ज़्यादा अच्छे शेफ होते हैं, कितने अच्छे शेफ होते हैं ये मुझे आइडिया नहीं था। एनीवेज शेयर ज़रूर करेंगे, मैं इतने प्यार से अपने मान से इतने हमें व्हाट्सएप किया है। अच्छा मैसेज किसका है, चौधरी अरसलान क्या कहते हैं, दुनिया हमें सलीम कहे कहना छोड़ती। अच्छा सलीम, अच्छा बाई नेम जो है, दुनिया में सलीम कहीं कहना छोड़ती, ये तो खुदा का शुक्र है माँ की दुआ मिली। एग्जैक्टली दुआएं तो सारी माँ ही की होती हैं, और मैं शेयर करने जा रही हूँ कासिम अली खान की कुकिंग। और अच्छा साथ नेम मेंशन करती है ताकि मैं बता सकती, आई थिंक सो ये फ्रूट्स है, देखे ज़रा कासिम ने ये जो है ना आज कुकिंग की है, ये कुकिंग तो नहीं की, ये रेडी की है डिश। और उसके बाद जो है दिस वन आई थिंक सो ये चिकन है, चिकन कढ़ाही लाइक दिस कोई है चीज़। और साथ में ये बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड लुकिंग अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग डिलीशियस सुपर्ब ऑसम एंड और क्या क्या, भूख लगी हुई है ना, वो भूख जो है ना सारे वर्ड्स बोलने पे मजबूर कर रही है। अच्छा है कासिम, अच्छा है। और इसके अलावा और बड़े सारे मैसेजेस हैं, सिंपली मैं उनके बाय नेम इसमें ऐड करती जाती हूँ। वलीद ने हमें मैसेज किया है, ईशा ने मैसेज किया है, सोहा ने मैसेज किया है, मौसी ने मैसेज किया है, रिमशा, गुलफाम, इर्तसा, मुदस्सर, फायसा, ओ बहुत सारे नाम, बहुत शुक्रिया है एंड थैंक यू सो मच आपने हमें मैसेज किया। और एक और मैसेज शामिल करती हूँ, कासिम अली खान कहते हैं यहाँ सब कुछ बनाना, हाँ ये तो है एग्जैक्टली कि वो कहते हैं जब सर पे पड़ती है तो हमें सब कुछ बनाना आ जाता है। इसके अलावा कुछ मैसेजेस हम
जो है सिम के वो भी शामिल करते हैं. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शो नाइस है, पहली बार शो में मैसेज किया है, प्लीज बहुत बड़ी सांग सुना दे. माय फ्रेंड आबिद, फैसल, अनीस, आल लिसनर एंड आप की आल टीम को सलाम अलैकुम अस्सलाम. और ये किया है यूसुफ अलवी ने गुजर हां से, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. और साथ में कौन मैसेज है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, शो को अप्रिशिएट किए, तारीफ किए और लाइटीज. और साथ में अच्छा नंबर्स हैं, नेम मेंशन नहीं है, प्लीज़ नेम भी मेंशन किया करें ताकि वो मैं बता सकूँ किसने कहाँ से किए. ओके और अच्छा सिटी नेम मेंशन है, सिटी नेम क्या कहते हैं कि गुजरहान से किए, सखर से किए, मुल्तान से किए, कराची से भी हमें मैसेज किया है. और ऑल द लिसनर व्यूअर्स जिन्हें मैसेज किया है शामिल हुए प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया. एक वेरी लास्ट है कि मेरे ख्याल है किसी के साथ आज जो है मैं शो को पार्ट अप करती हूँ. ये टाइटल सॉन्ग है, ओएसटी है, इसको इंजॉय कीजिए. कॉल अटेंड करते हैं एक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इसमें मेरे साथ कौन कहाँ से मौजूद है? मैं खान बात कर रहा हूँ, मैं खान बोल रहा हूँ. खान ही ऐसे वेलकम कहेंगे आपको, शाम जी कहेंगे अपने शो में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, फिफार बिल्कुल ठीक. क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सो मच. मुझे ये बातें तो अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जस्ट बिकॉज ऑफ माई गॉड, अल्लाह की रहमत है. जी क्या कह रहे हैं? गाना सुना है या सुनाना है आपने? रिपीट कीजिएगा. हेलो. अच्छा ये पता है क्या, मेरे शो में रिक्वेस्ट अच्छा आपने क्या नाम बताया अपना? मुझे नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मूसा खान. मूसा खान, मैं एक बात बताऊँ आपको, मूसा खान आपको एक बात बताऊँ, मैं कह रही हूँ मूसा खान आपको मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे जो तारीफ है ना मुझ पे असर कौन ही करती, ठीक है, और ना मक्खन मुझ पे असर करते हैं, ठीक है. अच्छा मैं वैसे जो लास्ट है ना काफी से ट्रैक मैंने, अगर आपने शो सारा सुना हो तो सो लगी. अच्छा ठीक हो गया, मूसा यहाँ खालिया से ही. अच्छा ध्यान से फट ना जाना मूसा. थैंक यू सो मच सो मच. आमीन सो मामी. ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. ओके जी मूसा हमारे साथ मौजूद है और बड़े मजे की कॉल लगी है मुझे मूसा की, आती है मैं जो एग्जैक्टली लास्ट. अब मुझे जो है अल्लाह हाफिज आपसे करना है. ओके जी टाइम हो चुके 5 मिनट के, 5 मिनट एग्जैक्टली मुझे इस वक्त जो है आपसे अल्लाह हाफिज करना था. अहमद कहते फनी थे ओके थैंक यू सो मच. और मैं रिसेंट व्यूअर्स जिन्होंने आज प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने उन्हें का एहसास दिलाया और जितने मजे मजे की चिटचैट और पिक्चर्स और पता नहीं क्या क्या आपने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा. और आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा है, हर दफा लगता है लेकिन इस दफा ज्यादा अच्छा लगा है किस तरह से बड़े मजे की हमारी चिटचैट रही है. वीकेंड भी बड़ा अच्छा, मूड भी खुशगवार हो गया, मैं फ्रेश हो चुकी हूं. आई होप सो कि आप सभी फ्रेश हो चुके होंगे इसी एक मैसेज के साथ कि हमेशा खुश रहें, खुशपाश रहें, अपने अपने चाहने वालों को अपने पेरेंट्स का हमेशा याद रखिए क्योंकि वही अपने होते हैं जो आपका एहसास करते हैं, वो नहीं अपना जो सिर्फ आपके साथ रहता है. अहमद क्या कहते हैं, आज नहीं जा रहे हैं आप इतनी जल्दी क्योंकि मेरा टाइम जस्ट 2 आवर्स का होता है, 4 to 6. इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ दोबारा शामिल होकर एक नए टॉपिक, एक नई
शुरबुल आहो उसके साथ हाजिर होंगे चिटैक के साथ और कलेक्शन भी म्यूजिक की मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी अच्छी सी लेकर एक सॉन्ग देकर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्ले करूँगी। हमसा आपने नहीं भर सकी है इस वजह वह नहीं शामिल कर सकी और जो है क्वाली वो राजपत हम के वॉइस में नेक्स्ट मैं शामिल करूँगी। नेक्स्ट सैटरडे आप सब अपना हया रखिएगा बहुत सारा अपने चैनल पर बनाए रखिए अमेजिंग शो शायद देने के बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अदा कहूँगी बहुत शुक्रिया माइक सही है और इसी तरह प्रोग्राम में शामिल रहते हैं नेक्स्ट सैटरडे सैटरडे तक टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।